राधे को दास, राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो। श्री वृंदावन वास, श्री वृंदावन वास, राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नात है, सो तेरो आधीन, सो तेरो जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, गाइए ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वन चारी, यमुना तीर वन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा,
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Prem se, Krishna, Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haan, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Jai Ho, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare, Hum, Radha Govinda, Radha Govinda, Radha Govinda, Radhe, Radha Govinda, Radha Govinda, Radha Govinda, Radhe, Jagannath, Jagannath, Baladev, Jaya Subhadra, Jagannath, Jai Jagannath, Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Jai Shushi Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai
आहा प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की श्री राधा गोविंद भगवान की श्री जगन्नाथ भगवान की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की निताय कौर प्रेमानंदे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तदधाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रजबधो वर्गेणया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम् प्रेमापुमर्तो महान श्रीचैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत्रादरो नः पर वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबर दरुण बिंब फल दरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दर मुखात् अरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्र स्यपुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से, देश विदेश से, फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं कन्वर राज सुनक, संतोष जी सुनक और हीरालाल जी लुथरा की पावन पुण्य स्मृति में यह सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले अमेरिका निवासी एवं केनिया नैरोबी निवासी सोनिक परिवार एवं लुथरा परिवार, आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सब के चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। श्रीमद् भागवत श्री नारायण कवच, जिस श्री नारायण कवच पर हम सब श्रवण कर रहे हैं, तो मन में प्रश्न होना स्वाभाविक है। शायद आप में से किसी को हुआ होगा, हमारे मन में तो तुरंत होता है कि श्री नारायण कवच ही क्यों, ये अमित नारायण ने कोई ठेका लेकर रखा है, मतलब उसी का नाम होगा, वही सब कुछ करेगा, मतलब नारायण कवच ही क्यों, कृष्ण कवच भी तो हो सकता है, विष्णु कवच भी तो हो सकता है, वराह कवच भी हो सकता है, राम कवच, हर जगह नारायण नारायण, मतलब गौशाला में भी नारायण, जूम में भी नारायण, मतलब किसी का दिमाग हट जाए और कहे कि नारायण कवच ही क्यों, श्री नारायण कवच नाम क्यों है। बहुत वर्ष पूर्व स्वामी अखंडानंद जी के मुख से यह व्याख्या हमने सुनी थी। जैसे कल मैंने कहा, जिसका खाया है उनका नाम तो लेना ही पड़ेगा, नो डाउट हम सब प्रभुपाद जी के कारण हैं, उन्हीं की कृपा और उन्हीं से ज्ञान ग्रहण करते हैं, लेकिन गुरुदेव की कृपा से बड़े बड़े महानुभाव संतों की वाणी भी श्रवण करने का अवसर मिला। तो स्वामी जी महाराज ऐसा कहते हैं कि नारायण शब्द का अर्थ क्या है, क्योंकि वे तो नारायण के उपासक हुआ करते थे। वैसे बहुत सारे अर्थ हैं, आने वाले दिनों में यदि चेतना में आया तो हम आपके बीच में रखेंगे, लेकिन श्री नारायण कवच ही क्यों, नारायण कवच नाम क्यों रखा गया, आखिर श्री नारायण का अर्थ क्या है। श्री का तो सीधा अर्थ है, श्री जी माने लक्ष्मी जी, नारायण के साथ तो लक्ष्मी ही होती है ना, तो श्री जी लक्ष्मी जी। परंतु नारायण का अर्थ, एक अर्थ होता है, दो अर्थ कहूंगा, एक अर्थ होता है नार अयण, नारायण शब्द को संधि विच्छेद करेंगे
तो इसके दो शब्द होंगे नार और अयन। अयन का अर्थ होता है रहना, अयन माने सोना, अयन माने रहना, अयन माने सोना। और नार का अर्थ होता है नीर, नीर माने जल। नार माने जल, नार माने पानी, नीर। यदि आपको पूछा जाए कि हमारे भगवान नारायण कहाँ रहते हैं, तो वो नीर में रहते हैं, वो जल में रहते हैं, वो समुद्र में रहते हैं। तो समुद्र को नार कहते हैं और अयन माने रहना, क्योंकि ये समुद्र में रहते हैं इसलिए इनको नारायण कहा जाता है। सो नारायण भगवान की। अब यहीं से बात नहीं बनती है, केवल बस ये संस्कृत व्याकरण कर लिया हो गया, इससे बात नहीं बनेगी, इसमें और थोड़ा सा अंदर उतरना पड़ेगा। नारायण उसे कहते हैं जो नार में, जो नीर में रहे, जो जल में रहे, जो समुद्र में रहे। हमारे भगवान विष्णु चाहे गर्भोदक सागर, काणोदक सागर या शिरोदक सागर, वे रहते तो समुद्र में हैं, सागर में हैं। और समुद्र क्या है पता है? समुद्र जो है ना, वो लक्ष्मी जी का ससुराल है, सॉरी लक्ष्मी जी का घर है। क्योंकि लक्ष्मी जी का प्राकट्य कहाँ पर हुआ? समुद्र में हुआ। तो समुद्र देवता लक्ष्मी जी के पिता हुए। इसका एक अर्थ तो यही हुआ ना कि हमारे भगवान ससुराल में ही पड़े रहते हैं, इनको ससुराल में रहने में बड़ा आनंद आता है। नीर में जो रहते हैं, समुद्र में रहते हैं, इसलिए इन्हें नारायण कहते हैं। लेकिन हमें क्या समझना है? अब वो तो समुद्र में रहते हैं, लेकिन उस भगवान नारायण को यदि हमारे अंदर सुलाना है, हमारे अंदर बसाना है, हमारे अंदर बिठाना है, तो क्या करना पड़ेगा? ये हमारे भगवान को समुद्र में रहने की आदत सी हो गई है। आदत समझते हैं ना, आदत से मजबूर। पिछले दिनों गाना भी आया था, तो हमारे प्रभु जो है ना आदत से मजबूर हैं, वो समुद्र में ही रहते हैं। अब समुद्र में रहने वाले भगवान को कहो कि प्रभु प्रभु आप दुबई में आ जाइए, अबू धाबी में आ जाइए, आप गल्फ में, तो वहां तो समुद्र है ही नहीं, वहां तो रेगिस्तान ही भरा हुआ है, तो भगवान कैसे आएंगे? निरंतर नारायण, नर माने नीर, अयन माने रहना, जो नीर में रहते हैं इसलिए उसको नारायण कहते हैं। तो नीर में रहने वाले, समुद्र में रहने वाले भगवान नारायण को यदि हम हमारे अंदर बसाना बिठाना चाहते हैं, तो क्या करना होगा? केवल एक ही उपाय है, हमें अपने आप को समुद्र के समान बनाना होगा। जब तक हम अपने आप को समुद्र के समान नहीं बना लेंगे, भगवान नारायण हमारे अंदर बसेंगे नहीं, रहेंगे नहीं। और इसलिए वनवास के दौरान भगवान रामचंद्र को महर्षि विश्वामित्र ने, वशिष्ठ जी ने, सॉरी वाल्मीकि ऋषि ने कहा, क्या कहा? जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरई निरंतर होई न पूरे, भरही निरंतर होई न पूरे, तीन के हिय तुम कहूँ गृह रूरे, तीन के हिय तुम कहूँ गृह रूरे। पहले तो दूसरी लाइन के अंत में समझ लीजिए,
कि तिन्ह के हिय उसी के हृदय में या उसी के हृदय रूपी गृह में भगवान वास करते हैं, भगवान रहते हैं। क्योंकि हमारे भगवान को समुद्र में ससुराल में रहने की आदत जो पड़ गई है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें अपने आप को समुद्र के समान बनाना होगा। और इसलिए जिनके श्रवण समुद्र समाना, समुद्र के समान बनने की का अर्थ क्या है, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जो व्यक्ति अपने श्रवण को अपने कानों को समुद्र के समान बना लेगा, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, होई निरंतर होई न पूरे, तिन के रिय तुम कहूं गृह रूरे। सो हम ये कह रहे थे कि नारायण का अर्थ होता है समुद्र में रहने वाले, और भगवान समुद्र में रहते हैं, और उस भगवान को यदि हम हमारे अंदर हृदय रूपी गृह में रखना चाहते हैं तो हमें हमारे हृदय को या हमारे कर्ण को समुद्र के समान बनाना होगा। समुद्र के समान बनाने का अर्थ क्या है, ये दो श्लोक में लिखा है चौपाई में। समुद्र के समान कैसे बनना होगा, जिनके श्रवण, श्रवण माने कान, हमें हमारे कानों को समुद्र के समान विशाल बनाना होगा, जिसे समुद्र में अनंत काल से अनंत अनंत नदियां प्रवेश करती हैं। ठीक उसी प्रकार हमें हमारे कर्ण से अनेक समय से अनेक काल तक कथा रूपी नदी को प्रवेश कराना होगा। कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, तो जो व्यक्ति अपने कर्ण रूपी समुद्र में कथा रूपी नदी को प्रवेश कराए, एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन, और निरंतर अपने समुद्र रूपी कर्ण में कथा रूपी नदियां प्रवेश हो, निरंतर होते हुए भी भरई निरंतर होई न पूरे, निरंतर कथा श्रवण करने के बाद भी तृप्ति न हो, निरंतर कथा सुनने के बाद भी कथा के प्रति अरुचि न हो, तब माना जाता है कि इसका हृदय समुद्र के समान है, इनके कर्ण समुद्र के समान है। तो कथा रूपी नदी को निरंतर अपने कर्ण में प्रवेश करते हैं, उनके हृदय में उनके गृह में भगवान वास करते हैं, इसलिए भगवान को नारायण कहा जाता है। तो ऐसे भगवान नारायण को उनकी कथा श्रवण के माध्यम से हम हमारे जीवन में, हम हमारे अंतःकरण में बसा सकते हैं। दूसरा कि इस कवच का नाम श्री नारायण कवच क्यों, क्योंकि भगवान नारायण एक ऐसा स्वरूप है जो हमसे बिल्कुल निकट है। हो सकता है भगवान कृष्ण अपने धाम में हो, गौलोक वृंदावन में हो, या ब्रज वृंदावन में लीला करते हो, हो सकता है भगवान रामचंद्र साकेत में हो, अयोध्यापुरी में हो, परंतु नारायण जो है, ये नारायण स्वरूप हमसे बिल्कुल निकट है। क्योंकि नारायण का दूसरा अर्थ है नार माने नर, नार माने नर और अयन माने रहना, जो नरों में रहते हैं, नार माने नारी भी कर लीजिए, नार माने नर और नारी, नहीं तो नारी या कहेगी कि भाई हमारे अंदर नहीं है। सो नार माने नर, जो जो जीवों के भीतर, जीवों के अंतःकरण हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं, उसे नारायण कहते हैं। सो ये कवच हमें जिसको सुनाना है,
वो भगवान नारायण हमसे बिल्कुल निकट परमात्मा के रूप में बैठे हैं। इसलिए यदि हम भाव से श्रद्धा से श्री नारायण कवच का पाठ करते हैं तो निश्चित भगवान नारायण हमारी रक्षा करते हैं, हमारी मनोकामना इच्छा पूर्ण करते हैं। श्री नारायण कवचम में 23 श्लोक है। 23 श्लोक ही क्यों, इसकी चर्चा हम कल कर चुके हैं। ओम शब्द से यह मंत्र प्रारंभ हुआ और भाव गजेंद्र की तरह इस श्लोक का भाव व्यक्त किया गया और फिर प्रथम श्लोक प्रारंभ करते हैं। हरिर्विदध्यान मम सर्वरक्षाम न्यस्यांग्रिपद्म पतगेन्द्र प्रोष्ठे। हरिर्विदध्यान मम सर्वरक्षाम। हरि शब्द के कितने अर्थ सुने, याद है? हरि का एक अर्थ सुना हरति आश्रिता नाम आरती इति हरि ही, जो अपने आश्रितों के आर्त को हरे से हरि। किसने कहा था? वीर राघव आचार्य ने। दूसरा अर्थ जीव गोस्वामी ने कहा हरि सर्व भय हरम इति हरि, जो सभी भय को हर ले। तीसरा अर्थ सत्य धर्म जी ने कहा था हरि सर्व अरिष्ट हरम इति हरि। चौथा अर्थ बाल प्रबोधिनी में से हमने आपको बीच में प्रस्तुत किया हरि शरणागत दुख हारिणम इति हरि ही। हरि का पांचवा अर्थ श्री बलदेव विद्याभूषण, बहुत बड़े विद्वान हुए। अब बलदेव विद्याभूषण का नाम आया तो मैं आपको एक बात कहूं। एक ऐसा समय था जिन दिनों श्रीमती राधा रानी को स्वीकार नहीं किया जा रहा था। हमारे भारत के विद्वानों ने, भारत के ही ब्राह्मण आदि समाज ने राधा रानी का बहिष्कार किया। बोले राधा कृष्ण मंदिर में राधा रानी नहीं होनी चाहिए, कृष्ण के साथ रुक्मणी होनी चाहिए, क्योंकि कृष्ण का विवाह रुक्मणी जी के साथ हुआ, राधा जी के साथ नहीं हुआ। हमारे देश में बहुत बड़ा बहिष्कार हुआ और उस समय हमारे ब्रह्म मध्य गौड़ी आचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण आए और उन वे आगे आकर उन्होंने षट संदर्भ लिखे और इन सिद्धांत तत्वों के द्वारा ये साबित किया कि कृष्ण के साथ राधा रानी की सेवा और पूजा होनी चाहिए। ऐसे बलदेव विद्याभूषण ने भी भागवत पर टीका लिखी है तो वे कहते हैं हरिम स्व सेवाम नारायणम। अपने घर पर जो सेवा पधराई है, चाहे विश्वरूप मुनि चाहे देवराज इंद्र, वे नारायण की सेवा है, इसलिए वो अपने नारायण का स्मरण कर रहे हैं। छठा अर्थ पुनः जीव गोस्वामी क्रम संदर्भ में लिखे हरि सर्व मनोहरम इति ही, जो मन को हर लेते हैं, सर्व मनोहरम, जो बड़े सुंदर हैं, इसलिए इनको हरि कहते हैं। हरि का सातवां अर्थ दास ने एक साहस किया था कि हरि का सातवां अर्थ है हरि माने चोर, जो हर लेता है, जो चुरा लेता है। आइए हरि का आठवां और नौवां अर्थ मैं आपके बीच में प्रस्तुत करूं। श्री चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के सामने, उनके समक्ष बैठकर शास्त्रार्थ करते थे, मतलब शास्त्रों का अध्ययन आदि करते थे। तो महाप्रभु ने आत्म रामश्च मुनियो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे अहे तुकिम भक्ति इत्थम भूत गुणो हरि, श्रीमद भागवत का ही ये श्लोक है, वहां पर हरि शब्द उस श्लोक में। और महाप्रभु ने जब ये हरि शब्द आया तब श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा किया हुआ अर्थ,
अब तक आपने जीव गोस्वामी अन्य अन्य अर्थ सुने, चैतन्य महाप्रभु ने हरि शब्द के विषय में क्या कहा? पुनः पुनः याद कराऊं, हम लोग श्री नारायण कवच समझ रहे हैं। ऊपर जो श्लोक है ओम हरि, दूसरे शब्द पर सुई अटकी है, और महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु हरि शब्द के विषय में कहते हैं, हरि शब्द नाना अर्थ दुई मुख्यतम, हरि शब्द नाना अर्थ दुई मुख्यतम, सर्व मंगल हरे प्रेम दिया हरे मन, सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मन। श्री चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को कहते हैं कि हरि शब्द अनेक अर्थ है। हे सार्वभौम जी, हरि शब्द के अनेक अर्थ, नाना नाना माने अनेक, लेकिन उन अनेक अर्थों में से दुई मुख्यतम, हरि के दो अर्थ बड़े मुख्य है। हरि शब्द के दो अर्थ मुख्य है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। सबसे पहला हरि का एक अर्थ सर्व अमंगल हरे, सर्व अमंगल हरे, जो सभी प्रकार के अमंगल को हर लेते हैं उसे हरि कहते हैं। रामायण, जब कैलाश के शिखर पर पार्वती ने शिव जी से कहा कि प्रभु मुझे आपके मुख से राम कथा सुननी है, उस समय शिव जी ने यही कहा, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सुदशरथ अजीर बिहारी। जो मंगल प्रदान करते हैं और अमंगल को हर लेते हैं वो कौन? दशरथ नंदन भगवान श्री राम है। सो चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, हरि शब्द का एक अर्थ है सर्व अमंगल हरे, हरि उसे कहते हैं जो सभी अमंगल को हर लेते हैं। अब अमंगल का अर्थ यहां पर है पाप, क्या है? अमंगल का अर्थ है यहां पर पाप। आप लोग जानते हैं पाप जो है ना चार जगह पर होते हैं, अर्थात चार प्रकार के पाप होते हैं। पाप जो है उसको वो चार जगह पर डिवाइड किए जाते हैं। श्रीपद रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में इसकी बहुत विशेष व्याख्या करते हैं। चार जगह पर पाप या चार प्रकार के पाप होते हैं, एक है पातक, दूसरा है उपपातक, तीसरा है अति पातक और चौथा है महापातक। जो पातक है उसे कूट कहते हैं, जो उपपातक है वो है बीज, जो अति पातक है वो है फलोन्मुख पाप, और चौथा है महापातक वो है अप्रारब्ध। हमारे जो पाप है, ये मैं अमंगल के ऊपर कह रहा हूं। देखिए व्याख्या के अंदर व्याख्या, हरि शब्द का अर्थ है अमंगल को हरना, तो अमंगल किसे कहते हैं? इसलिए मैंने सब कुछ टांग कर रखा है, ऊपर श्लोक नीचे श्लोक, ताकि आप स्टडी कर सको। अमंगल का अर्थ है पाप, और पाप चार जगह पर होते हैं, कूट, बीज, फलोन्मुख और अप्रारब्ध। फिर भी आपको थोड़ा सा पल्ले नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सिंधु की बात है, भक्ति रसामृत सिंधु। मैं एग्जाम्पल देकर कहूं, मेरा यही तो काम है, थोड़ा इजी करके एग्जाम्पल देकर आपको घोल कर पिला देना। पाप जो है ना चार जगह पर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक दुकान है, दुकान, आप दुकानदार है, इनमें से कुछ लोग होंगे भी, तो मतलब दुकान है, तो दुकान है आप, और दुकान में जो सामान है उसे समझ लीजिए पाप,
दुकान है आप, दुकान का सामान है पाप, रैमिंग हो गया। तो एक दुकान है, दुकान में चार जगह पर सामान होता है, हमारे पाप भी चार जगह पर होते हैं। एक तो दुकान में जो सामान होता है ना, बिल्कुल काउंटर पर होता है, काउंटर पर कोई कस्टमर आया है कुछ लेने के लिए और उसे कुछ दिखा रहे हैं या कुछ दे रहे हैं, तो बिल्कुल जस्ट काउंटर पर पैक करके उसे देना है, तो एक जो दुकान का जो सामान है वो काउंटर पर होता है। अच्छा, दूसरा सामान जो है ना, दूसरा प्रकार का जो सामान है वो खाली हो गया है, इसलिए लिस्ट में डाल कर रखा है कि जब होलसेलर आएगा तो उसे ये ऑर्डर देकर मंगवाना है। मतलब ये दूसरा जो सामान है दुकान में नहीं है, न काउंटर में है, वो कहां पर है, वो लिस्ट में है कि ऑर्डर देकर मंगवाना है। मतलब लिस्ट में है तो आज नहीं तो कल आएगा, समझ रहे ना आप, दुकानदारी की है। मतलब वो लिस्ट में लिख दिया है, हॉस्पिटल फार्मेसी वाले भी देखते ना कि ये दवाई खत्म हो गई तो वो लिख लेते हैं कि अब ऑर्डर करना है। तो एक दुकान का एक सामान होता है काउंटर पर, दूसरा सामान होता है लिस्ट में कि आगे चलकर ऑर्डर देना है। अच्छा, तीसरा सामान दुकान में कहां होता है, शोकेश में। दुकान में बहुत सारे रैक होते हैं तो शोकेश में सामान होता है। और दुकान का चौथा सामान उस दुकान के गोडाउन में होता है, दुकान के पीछे या आगे पीछे जहां गोडाउन होता है वहां चौथा सामान। दुकान एक है और उस दुकान में बेचने के लिए जो सामान है वो चार जगह पर रखे गए हैं, एक काउंटर पर, एक लिस्ट में जिसको ऑर्डर करके मंगवाना है, तीसरा है दुकान के रैक में, शोकेश में, और चौथा है गोडाउन में। अब आइए सिद्धांत में, जो काउंटर पर पाप, जो काउंटर पर सामान है उसे कहते हैं कूट, शास्त्रीय भाषा में वो है कूट पाप। कौन से पाप हैं, कूट। कूट माने वो अप्लाई हो चुके हैं, वो आ चुके। मान लो अभी अभी फिलहाल कोई व्यक्ति को कोविड हो गया और कथा सुन रहा है, तो अब ये तो नहीं कहा जा सकता ना कि कथा सुनोगे तो कोविड नहीं होगा, वो तो कोविड लेकर ही तो बैठा है। मतलब वो पाप अप्लाई हो चुका है, वो काउंटर पर आ गया है। गुरु महाराज एग्जाम्पल देते थे, जैसे आप फ्लाइट में सफर करते हैं तो फिर ऑर्डर करते हैं कि मुझे जैन मील चाहिए या फ्रूट प्लेटर चाहिए, जो भी जिस प्रकार का भोजन। तो एक बार फ्लाइट में बैठ गए, फ्लाइट टेक ऑफ हो गई तो हो गई, अब आप उसे चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसे पाप जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, जो वो अप्लाई में आ चुके हैं, जो रनिंग में आ चुके हैं, दुकान का सामान काउंटर पर आ चुका है, थैली में पैक कर चुके हैं, कस्टमर को देने ही वाले हैं, अब उसको हम किसी और को नहीं दे सकते, वो कार्यान्वित हो चुके हैं। तो जो पाप एक्टिव हो चुके, कार्यान्वित हो चुके हैं, उसे कहते हैं कूट, या दूसरी भाषा में उसे कहते हैं पातक। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है बीज। बीज पाप कौन से हैं, जो न तो गोडाउन में है, न दुकान में, न काउंटर पर है, लिस्ट में है, लिस्ट में के ऑर्डर देना है। मतलब वो पाप हमने किए नहीं है, लेकिन हां हम ऐसा स्वभाव बना चुके हैं या विषय भोग की ऐसी वासना हमारे अंदर है कि अभी पाप किया नहीं है। जैसे वो सामान दुकान में नहीं है लेकिन लिस्ट में आ चुका है तो आज नहीं तो कल दुकान में आएगा, ठीक उसी प्रकार हम पाप किए नहीं है लेकिन हम अपने आप को ऐसा बना चुके हैं कि आज नहीं तो कल वो पाप करेंगे। पाप हुआ नहीं है लेकिन बस अब जस्ट पाप होने ही वाला है, उसे कहते हैं बीज, या उसे कहते हैं उपपातक। समझ में आ रहा है, कुछ पल्ले थोड़ा बहुत पड़ रहा है, ठीक है। फिर तीसरा है दुकान में जो सजा कर रखते हैं, दुकान में जो होता है सामान, वो है फलोन्मुख पाप। माने जो हमारे हमने बुरे कर्म किए हैं और बुरे कर्म वो इस जन्म में हमको भोगतने हैं, उसे कहते हैं फलोन्मुख पाप, जिसे अति पातक कहते हैं। और चौथे हैं गोडाउन में, चौथे पाप है गोडाउन में,
जो स्टॉक में पड़े हैं शायद इस जन्म में भी भोगतेंगे, आने वाले जन्म में भोगतेंगे, कभी भोगतेंगे भरोसा नहीं, लेकिन है गोडाउन में। पाप चार जगह पर होते हैं, एक गोडाउन में होते हैं, एक इस जीवन में भोगतने होते हैं, एक जो हम अभी करंट में भोगत रहे हैं, और एक वासना के रूप में हैं जो आज नहीं तो कल वो हम करने वाले हैं, चार जगह पर। लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति जाने अनजाने में हरि का स्मरण मात्र कर लेता है तो वह इन चारों प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है, उनका जीवन परम मंगलमय बन जाता है। यह है हरि शब्द का अर्थ। सर्व अमंगल हरे, सर्व अमंगल, देखिए अमंगल हरे कहा होता ना, तो कूट बीज फलोन्मुख या अप्रारब्ध में से कोई एक होता, लेकिन यहां क्या कहा, सर्व अमंगल हरे, माने ये पाप जो चार जगह पर डिवाइड हैं, वे चारों जगह से हमारे पापों को नष्ट कर देते हैं, इसलिए भगवान को हरि कहा जाता है। ऐसा ईश्वर आपको कहीं नहीं मिलेगा हैं? देवताओं में तो दूर दूर तक यह ताकत नहीं है कि वे चारों प्रकार के पापों से हमें मुक्त कर दें, कूट बीज फलोन्मुख या प्रारब्ध है। लेकिन भगवान इन चारों प्रकार के पाप से मुक्त करते हैं, इसलिए उनको हरि कहते हैं, सर्व अमंगल हरे। और हरि क्यों कहते हैं, नौवा कारण नौवा अर्थ वो आगे दूसरी लाइन में कहते हैं, प्रेम दिया हरे मन, ये नौवा अर्थ है चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवान को हरि क्यों कहते हैं, राम को कृष्ण को विष्णु को हरि क्यों कहते हैं, क्योंकि वो प्रेम देते हैं, इतना प्रेम देते हैं, इतना प्रेम देते हैं कि प्रेम दिया हरे मन, अपना प्रेम देकर हमारे मन को हर लेते हैं। सो इस दुनिया में हरि या भगवान जितना प्रेम देते हैं उतना कोई नहीं देता। एक मुट्ठी चावल लेकर सुदामा गया तो कृष्ण ने कितना प्रेम दिया, द्रौपदी ने एक एक थोड़ी सी साड़ी का पल्लू काट कर फाड़ कर हाथ में बांधा तो क्या कितना प्रेम दिया। भगवान प्रेम देकर अपने भक्त के मन को हर लेते हैं। कैसे प्रेम देते हैं, भगवान का इस धरती पर आना यही तो सबसे बड़ा प्रेम है। अपनी दुनिया में मस्त हैं, प्रभु आनंद करते हैं, लेकिन ऐसे भगवान इस धरती पर आते हैं, अनेकों प्रकार की लीला करते हैं, ये भगवान का हम जीवों के प्रति प्रेम नहीं तो और क्या है। गोपियों के हाथों से पीट जाते हैं, सखाओं की गाली खाते हैं, यशोदा के हाथों से बंध जाते हैं, क्यों, क्योंकि भगवान हमसे प्रेम करते हैं, और उस प्रेम के खातिर भगवान हमें ये दिखाना चाहते हैं कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं और मैं प्रेम करने लायक तत्व हूं। सो इस प्रकार हरि का अर्थ प्रेम। आइए लास्ट, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन इस कथा के दौरान हरि का दसवां अर्थ जो है, और खास करके इस श्लोक में, यहां पर विश्वरूप मुनि नारायण कवचम में इंद्र के समक्ष ये जो सुना रहे हैं, यहां पर हरि शब्द कहने का तात्पर्य क्या है। वैसे हरि के तो ये सारे अर्थ हैं, लेकिन स्पेशल यहां बोलने का तात्पर्य क्या है, एग्जिट अर्थ यहां हरि का क्या है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मन्वंतर होते हैं, मैं हरि के शब्द के ऊपर चल रहा हूं, दसवां अर्थ। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मन्वंतर होते हैं, एक मन्वंतर की अवधि 71 चतुर्युग की होती है, 71 टाइम्स चतुर्युग, माने सतयुग त्रेता द्वापर कली, सतयुग त्रेता द्वापर कली, मतलब ऐसी चतुर्युगी 71 बार होती है। तब एक मन्वंतर होते हैं, ऐसे 14 मन्वंतर ब्रह्मा जी के एक दिन में बीतते हैं। तो प्रत्येक 14 मन्वंतर के प्रत्येक मन्वंतर में एक मनु होते हैं, उस प्रत्येक मन्वंतर में एक इंद्र होते हैं, और उस प्रत्येक मन्वंतर में भगवान का एक मन्वंतरा अवतार होता है।
जैसे अभी मैं करंट मनवंतर की बात कर रहा हूं, अभी जो मनवंतर चल रहा है ब्रह्मा जी का, इस करंट मनवंतर में प्रथम मनु 14 मनवंतर है ना ब्रह्मा जी के, इस कल्प में 14 मनवंतर है, तो इस कल्प में प्रथम मनु हुए स्वयंभू मनु, दूसरे मनवंतर के राजा मनु बने स्वारोचिस मनु, तीसरे मनवंतर के राजा हुए उत्तम, इसलिए उसे कहते हैं उत्तम मनु, चौथे मनवंतर के राजा हुए तामस, इसलिए उसे कहते हैं तामस मनु, पांचवें मनवंतर के राजा हुए रैवत, छठे मनवंतर के चाक्षुष, सातवें मनवंतर के श्राद्ध देव, आठवें मनवंतर के सावर्णी, नवे मनवंतर के राजा हुए दक्ष सावर्णी, इसलिए दक्ष सावर्ण मनु कहते हैं, दसवें मनवंतर के राजा हुए ब्रह्म सावर्णी, ग्यारहवें मनवंतर के राजा हुए धर्म सावर्णी, बारहवें मनवंतर के राजा रुद्र सावर्णी, तेरहवें मनवंतर के देव सावर्णी और चौदहवें मनवंतर के इंद्र सावर्णी। इस प्रकार करंट कल्प जो ब्रह्मा जी का दिन चल रहा है, इसमें 14 मनवंतर हैं और इसके 14 मनु होते हैं। अच्छा, इस 14 मनवंतर के प्रत्येक मनवंतर में एक एक इंद्र होते हैं। प्रथम दूसरे मनवंतर में इंद्र हुए जिसका नाम था रोचस, दूसरे मनवंतर में जो इंद्र हुए उनका नाम था रोचन, तीसरे मनवंतर में जो इंद्र हुए उनका नाम था सत्यजीत, चौथे मनवंतर में जो इंद्र हुए उसका नाम था त्रिशिक, पांचवें मनवंतर में जो इंद्र हुए उसका नाम था विभु, छठे मनवंतर में जो इंद्र हुए उनका नाम हुआ मंत्रद्युम्न, और अभी करंट सातवां मनवंतर चल रहा है, अभी ब्रह्मा जी के इस कल्प में सातवां मनवंतर चल रहा है। इस सातवें मनवंतर में जो इंद्र बने हैं, इंद्र तो पोष्ट है, उस इंद्र का नाम है पुरंदर, अभी इंद्र कौन है? पुरंदर। इसके बाद आठवें मनवंतर में इंद्र कौन बनेंगे? बलि महाराज। उसके बाद नवे मनवंतर में इंद्र कौन बनेंगे? अद्भुत। दसवें मनवंतर में इंद्र बनेंगे शंभु, ग्यारहवें में इंद्र होंगे वैद्रुत, बारहवें में इंद्र होंगे सुतदामा, तेरहवें में होंगे दिवस पिता और चौदहवें मनवंतर में इंद्र होंगे शुचि। आप सबको याद ही होगा, मैं जस्ट आपको स्मरण करा रहा हूं। तो इस प्रकार से करंट कल्प में 14 मनवंतर, हम सब लोग सातवें मनवंतर में जी रहे हैं, इसके पहले के 6 मनवंतर और इसके बाद वाले 7 मनवंतर। अच्छा, भगवान की बात करें तो दूसरे मनवंतर में भगवान ने अवतार लिया विभु रूप में। यह अवतार लेकर भगवान ने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया और 88,000 ऋषि मुनियों को ब्रह्मचर्य व्रत का उपदेश दिया दूसरे मनवंतर में। तीसरे मनवंतर में भगवान का एक मनवंतरा अवतार हुआ जिसका नाम था सत्यसेन। ये सत्यसेन, भगवान ने यह अवतार लेकर वे सत्य परायण हुए और अपने चरित्र से सत्य मार्ग का निरूपण किया और दुष्टों का विनाश किया। चौथे मनवंतर में भगवान ने एक अवतार लिया जिसका नाम था हरि। अब आइए, अब जो मेन जो मुझे आपको बताना है, चौथे मनवंतर में भगवान ने अवतार लिया, वो भगवान का मनवंतरा अवतार और उस भगवान का नाम था हरि। हरि भगवान का गुण भी है और हरि स्पेशल भगवान का नाम भी है। तो इस चौथे मनवंतर माने तामस मनु जहां पर थे और त्रिशिक जो इंद्र थे, उस चौथे मनवंतर में भगवान ने हरि अवतार धारण किया और यह अवतार लेकर ग्राहक के मुख में फंसे हुए गजेंद्र का उद्धार किया। कुछ लोग लिख रहे हैं ना, इसलिए मैं कंप्लीट कर दूं। पांचवें मनवंतर में भगवान का अवतार हुआ वैकुंठ के रूप में, छठे मनवंतर में भगवान का अवतार हुआ अजीत के रूप में, जिसमें उन्होंने समुद्र मंथन करवाया।
सातवें मन्वंतर, ये जो करंट मन्वंतर चल रहा है, इस करंट मन्वंतर में भगवान ने मन्वंतर अवतार लिया कश्यप के रूप में। आठवें मन्वंतर में भगवान का अवतार, मन्वंतर अवतार सार्वभौम। नौवें मन्वंतर में ऋषभ। दसवें में विश्वक्सेन। ग्यारहवें मन्वंतर में धर्म सेतु भगवान का अवतार होगा। बारहवें मन्वंतर में स्वधाम। तेरहवें मन्वंतर में योगेश्वर। और चौदहवें मन्वंतर में भगवान अवतार लेंगे बृहद भानु के रूप में। ये मैंने भविष्य कह दिया, ये भविष्यवाणी हो गई। हम तो करंट की बात करें तो पिछले मतलब चौथे मन्वंतर में भगवान ने हरि अवतार धारण किया और गजेंद्र का उद्धार किया। तो यहाँ पर इस श्लोक में श्री नारायण कवचम के प्रथम श्लोक में जहाँ कहते हैं ओम हरिर विदध्यान मम सर्व रक्षाम, हे हरि आप मेरी रक्षा करो, तो ये हरि जो है किसको संबोधित किया जा रहा है? चौथे मन्वंतर में जिन्होंने ग्राह के मुख से गजेंद्र का उद्धार किया था, ये उस हरि को इंडिकेट किया जा रहा है। भक्तो ये इतनी डिटेल में इसलिए क्योंकि जब आप नारायण कवच का पाठ करो तो ये सब ध्यान में होना चाहिए। ये तो हमारे वहां हरि भाई भी होते हैं, पड़ोस में कोई हरि भाई रहते हैं तो हरि विदित हैं तो बाजू वाले का स्मरण होता है, पैंट शर्ट पहन के ऑफिस में जा रहा है। तो ये कथा इसलिए है ताकि हम जब नारायण कवचम का पाठ करें तो ये हमारे उसमें हो, इनका स्मरण हो। अच्छा क्या कहते हैं? हरिर विदध्यान मम सर्व रक्षाम, कहते हैं मम सर्व रक्षाम, हे हरि, हे हरि विदध्यान। विदध्यात माने कीजिए, विदध्यात माने कीजिए। अब उसमें तो ज्यादा मैं क्या व्याख्या करूं, ये तो सीधा सा एक लोकल शब्द है विदध्यान। विदध्यान माने कीजिए, तो हे हरि कीजिए, क्या कीजिए? मम सर्व रक्षाम, मेरी सर्व रक्षा माने सभी ओर से रक्षा कीजिए। अच्छा सर्व रक्षाम का मतलब क्या होगा? सर्व माने सभी रक्षा कीजिए, तो सर्व रक्षाम का एग्जैक्ट अर्थ आचार्यों ने टीकाओं में बहुत सुंदर कहा। सर्व रक्षाम का ये अर्थ मैंने नीचे आपके बीच में रखा है, यह है सर्व रक्षा का अर्थ। सर्व रक्षा माने सर्व देशे सर्व काले च मम रक्षाम विदध्यात् करोतुः। सर्व रक्षाम का अर्थ है सभी देश में और सभी काल में, हे हरि सभी देश में, केवल भारत में ही नहीं, मैं जब अमेरिका जाता हूँ, नेपाल जाता हूँ, यूरोप जाता हूँ, हरि मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ सर्व देशे माने सभी देशों में और सर्व काले सभी समय में। अब देखो ये नारायण कवचम बहुत सुंदर है भक्तों, मुझे तो जीवन में पहली बार अवसर मिला इस पर कुछ बोलने का। आगे यदि आगे हम सुनेंगे कि सुबह 4 बजे हमें किस भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए, 6 बजे भगवान बदल जाते हैं, 6 बजे हमें किसी और भगवान मतलब भगवान के दूसरे रूप की उपासना करनी चाहिए, 8 बजे कोई और, 9 बजे कोई और, 10 बजे कोई और, 11 बजे, समय के अनुसार। देखिए भगवान तो एक ही है लेकिन भगवान के ये स्वरूप अलग अलग है, तो किस समय में हमें भगवान के किस स्वरूप की आवश्यकता है ये हमें पता होना चाहिए। ये श्री नारायण कवचम में ये बिल्कुल खुलासा होगा कि आप शाम को 6 बजे फंसे हैं, शाम को 6 बजे कहीं फंसे हैं और आपको तुरंत वहां से मुक्त होना है, तो आप कृष्ण को पुकारोगे तो नहीं चलेगा, आपको कि भगवान का कोई और रूप स्मरण करना होगा। अच्छा रात को यदि आप किसी प्रॉब्लम में पड़ गए तो आपको पद्मनाभ का स्मरण करना, आगे चलकर ये बात आएगी, मैं अभी खुलासा नहीं करूंगा। खैर फिर सुबह 4 बजे यदि आप फंस गए तो भगवान का कोई और स्वरूप, तो मतलब समय के अनुसार बिल्कुल बहुत सटीक इस नारायण कवचम में ये सब कुछ बताया गया है। लेकिन फिलहाल हम यही देखें कि हरि ओम का अर्थ समझ लिए, हरि का अर्थ समझ लिए, विदध्यान माने कीजिए, नीचे भी आप देख सकते हैं विदध्यान करो तू,
विदत ध्यान का अर्थ है करो तो कीजिए, क्या कीजिए, मम सर्व रक्षाम, मेरी सभी ओर से रक्षा कीजिए। तो सर्व रक्षाम का अर्थ है सर्व देशे सर्व काले, सभी देश में और सभी समय में आप मेरी रक्षा कीजिए। जब इस प्रकार से हम भगवान से प्रार्थना करेंगे ना, तो कोई सीनियर डिवोटी सुन लेगा, सीनियर समझते ना, सीनियर मतलब वो तुरंत हमको डांट कर कहेगा कि ये क्या शुरू कर दिया। वो जब डांटने की बात आती है तो इंग्लिश में शुरू होता है, तो तुरंत हमको डांट कर कहेगा, व्हाई यू बीइंग सो मच बॉडी कॉन्शियस, व्हाई यू सो मच बॉडी कॉन्शियस, आप इतना बॉडी कॉन्शियस क्यों हो रहे हो कि आप हय हरि मम सर्व रक्षा, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, है ना। कुछ लोग हमें भी कह सकते हैं, प्रश्न आने शुरू हो गए होंगे, मैं तो पढ़ता नहीं, ये क्या आप तो आत्मा की बात करते हैं, आत्मा का कल्याण, ये शरीर की बात कहां से आ गई। सो व्हाई यू बीइंग सो मच बॉडी कॉन्शियस, तब इंग्लिश में प्रश्न पूछा है तो जवाब भी इंग्लिश में ही देना होगा। तो श्रील प्रभुपाद इसका उत्तर देते, मैं नहीं दूंगा, कॉन्ट्रोवर्सी में फंसना ही नहीं है, इसका जवाब प्रभुपाद को ही देने दीजिए। श्रील प्रभुपाद नारायण कवचम के इस श्लोक मतलब 12वें श्लोक के परपोर्ट में श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर बात लिखते हैं, आप नीचे देख सकते हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, द लिविंग एंटिटीज आर ऑलवेज सबॉर्डिनेट टू द सुप्रीम। ये जितनी भी जीवात्माएं हैं ऑलवेज सदैव हमेशा के लिए परमात्मा के परमेश्वर के अधीन है। देखिए एक एक शब्द ये प्रभुपाद के कलम है, जीवात्मा सदैव हमेशा के लिए परमात्मा के अधीन है और फलतः देयर ड्यूटी, जीवात्मा की ये ड्यूटी है, ये कर्तव्य है कि प्रत्येक परिस्थिति में सुरक्षित रहने के लिए भगवान से प्रार्थना करें। अब प्रभुपाद से तो बड़ा मेरे लिए तो और कोई नहीं है, श्रील प्रभुपाद जी ने आदेश दिया है कि प्रत्येक परिस्थिति में इन ऑर्डर टू बी प्रोटेक्टेड बाय हिम ऑल सर्कमटेंसेस, प्रत्येक परिस्थिति में हमें भगवान की कोई याचना करनी चाहिए कि आप हमारी रक्षा कीजिए। भक्तों ये आत्मा के स्तर पर जीना चाहिए, आत्मा का कल्याण करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आत्मा के स्तर पर पहुंचने के लिए शरीर तो चाहिए, बिना शरीर के आत्मा के लेवल पर कैसे पहुंच सकते हैं, बिना शरीर के हम आत्मा को कैसे समझ सकते हैं, आत्मज्ञान बिना शरीर के कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जब ये नया साल शुरू हुआ तो कई सारे लोगों का मैसेज आया, प्रभु कुछ मैसेज दीजिए, रिजोल्यूशन होता है ना, न्यू ईयर रिजोल्यूशन हमारे लिए क्या। मैं बोला आपको जो करना है करो, मैंने मेरा रिजोल्यूशन बनाया है, तो प्रभु आप अपना ही बता दीजिए। तो वास्तव में मैं इसी सिद्धांत पर जी रहा हूं, आपको काम आ जाए। और ये सिद्धांत बहुत बड़ा नहीं है, ये सिद्धांत है 4S, 4S, 4S है। पहला एस है शरीर, दूसरा एस है साधना, तीसरा एस है शिक्षा और चौथा एस है सेवा। शरीर, साधना, शिक्षा और सेवा। भक्तु यदि वास्तव में सफल होना है, वास्तव में हमें सेवा कर, देखिए आत्मा का धर्म है सेवा करना, लेकिन वो सेवा तक हम तब तक नहीं पहुंच पाएंगे जब तक ये शरीर ठीक नहीं होगा। इनमें से कई लोगों को सेवा करनी है लेकिन शरीर काम नहीं करता है, शरीर साथ नहीं देता है, तो शरीर का ध्यान रखना, शरीर कहीं विपत्ति में न पड़ जाए, कहीं विपत्ति में न फंस जाए, तो शरीर का ध्यान। मैं आप लोगों को कहूं, यदि आप लोग मुझे अपना मानते हैं और आप कुछ चाहते हैं कि प्रभु जी हमें कुछ कहें, तो मैं यही कहूंगा, सबसे पहले अपने शरीर का ध्यान रखिएगा,
ईश्वर के द्वारा दी हुई बहुत बड़ी देन है, ये बहुत बड़ी गिफ्ट है, ये सबको नहीं मिलता, करोड़ों करोड़ों जीवों में किसी को मनुष्य जीवन मिलता है। तो भगवान ने ये जो शरीर दिया है उसकी वैल्यू को समझिए, भोग भोगने के लिए नहीं, क्योंकि हमें इस शरीर से बहुत बड़े बड़े कार्य करने हैं, तो शरीर का ध्यान रखना चाहिए। और शरीर के साथ साथ, शरीर तो समझ गया ना, शरीर हेल्दी होना चाहिए, तंदुरुस्त होना चाहिए, कोई न डायबिटीज हो न कोलेस्ट्रॉल हो ना ये वो जो भी होता है, और उसके साथ साथ शरीर से जुड़े हुए यदि गृहस्थ आश्रम में हो तो अपनी पत्नी अपने बच्चे ये सब परफेक्ट होना चाहिए। क्योंकि जो आदमी अपने अपने शरीर का ध्यान नहीं रख सकता, अपने घर वालों का ध्यान नहीं रख सकता, वो गुरु और भगवान क्या खाक ध्यान रखेगा, उसे क्या आशा की जा सकती है कि ये गुरु का ध्यान रखेगा भगवान का रखेगा, जो अपने घर का ही नहीं रखता। तो शरीर भक्ति में ज्यादा भावुक बनने की भी जरूरत नहीं है, सबसे पहले शरीर का ध्यान रखना चाहिए। तो पहले है शरीर, ये श्रील प्रभुपाद जी से मैंने सीखा है। और फिर शरीर स्वस्थ है तो साधना, हमारा पहला गोल है साधना, हम साधक हैं, हम कोई सिद्ध संत बापू बाबा नहीं है, साधना करनी है। शरीर स्वस्थ हो उसके बाद सेकंड है साधना, क्रम को भी ध्यान रखना चाहिए। और साधना के बाद तीसरा है शिक्षा, शिक्षा साधना की बहुत आवश्यकता है और उतनी भी शिक्षा की आवश्यकता है। और शिक्षा यदि अच्छी है तो फिर सेवा, चौथा स्टेप है सेवा। कई बार क्या होता है ना, बिना शिक्षा के हम सेवा करने लगते हैं और सेवा करते हुए बहुत बहुत अपराध कर बैठते हैं, तो शिक्षा के अभाव में हम अपराध कर बैठते हैं, इसलिए बहुत अच्छे से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी को पूछा जाता कि आपने ये संस्था बनाई, ये संस्था क्यों बनाई, श्रील प्रभुपाद यही कहते हैं कि ये इस्कॉन जो है, इस्कॉन इज ए टीचिंग सेंटर, यहाँ खिलाया जाता है, पिलाया जाता है, कीर्तन बहुत कुछ होता है, लेकिन इस्कॉन का मेन पर्पज है शिक्षा। क्योंकि जीवन में धन हो, रूप हो, सामर्थ्य हो, लेकिन शिक्षा ना हो तो वही धन हमारा पतन करा देगा, वही रूप हमारा पतन करा देगा, वही सामर्थ्य हमारा पतन करा देगा, शिक्षा। तो सबसे पहले शरीर का ध्यान रखें, फिर साधना का ध्यान रखें, फिर शिक्षा और फिर सेवा, खूब सेवा करें। हमारा लक्ष्य तो सेवा ही है, सेवा ही करना है, जीवन सेवा में दे देना है, लेकिन यदि शिक्षा नहीं होगी, साधना नहीं होगी, शरीर नहीं होगा तो क्या सेवा करेंगे। तो ये उद्देश्य रखकर यदि शरीर का ध्यान रखते हैं तो ये भी भक्ति है। और मैं देखिए, जो जवान लड़के हैं ना, उसको ज्यादा शरीर का ध्यान रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी जवानी है, उनका चढ़ता खून है। लेकिन जैसे जैसे अवस्था बढ़ती है वैसे थोड़ा थोड़ा शरीर के ऊपर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा शरीर को टाइम दीजिएगा, कुछ एक्सरसाइज करना, कुछ स्वस्थ रहना, नहीं तो ऐसे ही बिस्तर में बेड में मर जाएंगे, कोई पूछने नहीं आएगा। तो शरीर, फिर से कुछ लोग कहेंगे ये बॉडी कॉन्शियस क्यों हो गए आप, तो बॉडी है इसलिए तो आप सामने बैठे हैं। मैंने देखा है कि जब आदमी भक्ति में नहीं होता तो बिल्कुल स्वस्थ होता है, भक्ति में आया तो सीधा पेट बाहर, बिल्कुल एक स्पेयर मटका ही हो जाता है। मतलब बहुत अच्छी बात है कि आप आत्मा के स्तर पर जियो, आत्मा की बातें करो, आत्मा आत्मा, लेकिन शरीर को स्वस्थ रखें, शरीर। तो मैं आप सब के लिए स्वस्थता की कामना करूं कि आप सब स्वस्थ रहे और अच्छा जिए, और फिर भी आपकी आपका शरीर विपत्ति में न पड़े, इसलिए हमने ये नारायण कवचम का पाठ किया है कि हम रोज नारायण कवच का पाठ करें ताकि हमारा शरीर विपत्ति में न पड़े, हमारा शरीर स्वस्थ रहे और शरीर से अच्छे कार्य कर सके। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। हरीर विदध्यान मम सर्व रक्षाम, पहली लाइन कंप्लीट हुई, ठीक है,
हरीर विदध्यान, हे हरि विदध्यान कीजिए, क्या मम मेरी सर्व सभी ओर से सभी देश और सभी काल में रक्षा, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे मेरे शरीर की रक्षा कीजिए। तो इस पर हमने प्रसाद दिया, लेकिन यहां पर फिर से एक आचार्य ने प्रश्न उठाया। आचार्य की बात आती है तब आनंद आता है। अब देखो ये आचार्य क्या कहते हैं, बहुत सुंदर बात। ये आचार्य तुरंत बीच में आ गए, मेरे बीच में आ गए, मेरे और आपके बीच में आकर क्या कहते हैं, हरीर विदध्यान मम सर्व रक्षा, मम सर्व रक्षाम। तो ये आचार्य कहते हैं, आप पढ़ सकते हैं कि ननु, प्रश्न उठाकर कहते हैं कि ननु परिच्छिन्नम श्रुत्वेन प्रतीयमानम कथम सर्वत्र रक्षाम करतु। ननु एक परिच्छिन्नत्वम एना, तो ननु एक, आचार्य कहते हैं कि एक भगवान जो है ना वो एक है, क्या ये बात गलत है? भगवान कितने हैं? भगवान एक है। तो ये आचार्य कहते हैं भगवान एक है, और जूम प्लेटफॉर्म पर 250 लोग बैठे हैं और एक एक विंडो में पूरे फैमिली बैठे हैं, तो 250 × 5000 तो जूम पे ही बैठे हैं। तो यदि ये मेरे सामने 1000 लोग बैठे हैं, बाकी के तो अलग, ये 1000 लोग एक साथ भगवान को पुकारेंगे हरीर विदध ध्यान मम सर्व रक्षाम, तो हरि तो एक है। और उसमें भी जूम में तो कुछ यूके से हैं, कुछ यूएसए से, कुछ कैनेडा से, कुछ यहां से, कुछ वहां। तो ये आचार्य का बाटला फट गया, बोले आप सब लोग एक साथ भगवान को बुलाओगे कि हे हरि मेरी रक्षा और सर्व रक्षा, अच्छे से मेरी रक्षा करो, तो बेचारा हरि कंफ्यूज हो जाएगा, किसके पास जाऊं, कहां जाऊं, कैसे जाऊं। तो ये प्रश्न है, ये प्रश्न यहां पर लिखा है कि ननु एक परिच्छिन्नत्वेन, उपनिषद में भी कहा ना एको एव अद्वितीय, भगवान एक है, उसके जैसा जोटा जोड़ा दूसरा और कोई नहीं है। तो जब वो एक है तो वो अकेला सबकी रक्षा कैसे कर सकता है? प्रश्न वैलिड है। तो वही आचार्य कहते ना प्रतिमान कथम सर्वत्र रक्षाम करतु, ये अकेला ईश्वर अकेला भगवान सबकी रक्षा कैसे कर सकता है? इति आशंकय, ऐसी आशंका यदि मन में हो तो वह आचार्य उत्तर देते हुए कहते हैं कि कर सकते हैं। क्यों? वो भगवान अकेले हैं, वो अकेले होकर हम सबकी रक्षा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मनोज वेग, क्योंकि मन की गति से उड़ने वाला गरुड़ भगवान विष्णु के पास है। मनोज वेग गरुड़ वाहनत्वेन तत्र, क्योंकि मन की गति से उड़ने वाला गरुड़ भगवान विष्णु के पास है, इसलिए भगवान एक ही साथ सबके पास जा सकते हैं। और इसलिए श्लोक के दूसरी लाइन में देखिए क्या कहा गया, न्यस्त्यांग्रि पद्मं पतगेन्द्र प्रूष्टे हरीर विदध्यान मम सर्व रक्षाम, न्यस्यांग्रि पद्म पतगेन्द्र पृष्ठे, न्यस्यांग्रि पद्म पतगेन्द्र पृष्ठे। मैं उस हरि को पुकार रहा हूं जिस हरि के चरण कमल गरुड़ के ऊपर विराजमान है, जिसने गरुड़ की पीठ पर अपना वाहन, गरुड़ को अपना वाहन बनाया है, और गरुड़ के पीठ पर जो विराजते हैं, मैं उस हरि की शरण ग्रहण कर रहा हूं। यहां पर गरुड़ को क्या कहा गया? पतगेंद्र। न्यस्त्य, न्यस्त माने रखा है, क्या रखा है? अंगरी, भगवान ने अपने अंगरी माने चरण, भगवान हरि ने अपने चरण न्यस्त रखे हैं। वो चरण कैसा है? तो कहते हैं पद्म, आप श्लोक में दूसरी लाइन में देख सकते हैं। तो पद्म कमल के समान सुंदर कोमल चरण जिन्होंने रखे हुए है, कहां पर? पतंगेंद्र पृष्ठ, गरुड़ की पीठ पर।
तो यहां पर गरुड़ को पतगेंद्र कहा गया। गरुड़ जी को पतगेंद्र क्यों कहते हैं, इसकी संधि विच्छेद करेंगे ना, पतगेंद्र तो तीन शब्द बनेंगे, पत ग और इंद्र, पत ग इंद्र, पतगेंद्र। पत का अर्थ होता है पांख से, ग माने गमन करने वाले, पत ग इंद्र, पत माने पांख से, ग माने गमन करने वाले और इंद्र माने राजा। पांखों से गमन करने वाले पक्षियों के जो राजा है वो है गरुड़, इसलिए गरुड़ को पतगेंद्र कहा जाता है। न्यस्यांग्रि पद्म पतगेंद्र पृष्ठे, तो ऐसे समस्त पक्षियों के राजा गरुड़ के पीठ पर जिन्होंने अपना चरण रखा है, ऐसे गरुड़ के ऊपर बैठकर प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए, तो अब समर्थ है। अभी भी आपको विश्वास नहीं होता होगा कि भाई गरुड़ के ऊपर बैठकर भी यार अमेरिका में और दूसरा इंडिया में और ये सब रक्षा कैसे करेंगे। स्वाभाविक है क्योंकि आप लोग गरुड़ के बारे में जानते नहीं हैं। भगवान का गरुड़ बहुत विशाल है। गरुड़ के विषय में मुझे तत्कालीन एक बात याद आ रही है, श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंध में समुद्र मंथन की कथा आती है। आप जानते ना दुर्वासा ऋषि का अपराध इंद्र ने किया और दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया और असुरों ने स्वर्ग लूट लिया और फिर देवराज इंद्र ब्रह्मा सब लोग भगवान विष्णु के पास गए तो भगवान विष्णु ने कहा कि देखो असुरों का समय बहुत अच्छा चल रहा है और इंद्र तेरा समय बुरा चल रहा है, दोष किसी का नहीं, दोष समय का है, तो क्या करे। बोले जब तक तुम्हारा अच्छा समय नहीं आता तब तक असुरों से मित्रता करो। हमारे वहां कहावत है जब गरज होती है तो गधे को भी बाप बना लेना चाहिए, बोलने से थोड़ी ना कोई बाप हो जाता है, लेकिन गरज है, समय बुरा चल रहा है क्या करे। और उस समय कोई ठीठ होकर बैठे नहीं नहीं करूंगा तो मर और क्या है, तो कुछ नहीं कर पाएगा। ये भगवान की नीति है कि समय बुरा सबके जीवन में आता है, उस समय झुक जाना चाहिए। तो जाओ असुरों से मित्रता करो, देव और दानवों की मित्रता हुई और फिर समुद्र मंथन प्रारंभ किया। अब समुद्र मंथन करने के लिए मंथानी चाहिए थी, मथने के लिए, बहुत बड़े समुद्र को मथने के लिए मंथानी, तो हजारों योजन, लगभग 10,000 योजन लंबा और चौड़ा मंदार पर्वत को मंथानी के रूप में चुना गया। देव और दानव बड़े उत्साह में थे, अमृत निकालेंगे, अमृत पिएंगे। 33 करोड़ देवता और उतने ही दानव मंदार पर्वत की तलेटी में पहुंचे और जय श्री राम, देवताओं ने बोला होगा, उन्होंने तो हाय रे राम हाय रे बाप बोलकर हाथ नीचे डाला और पर्वत को उखाड़ लिया। पर्वत को उखाड़कर बिल्कुल सब लोगों ने अपने अपने हाथों में कंधे पर ले लिया, 33 करोड़ इस बाजू 33 करोड़ उस बाजू, और उस मंदार पर्वत को उठाकर चलने लगे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित अब उत्साह भी बंदे का कितना समय तक टिकेगा, क्योंकि समुद्र तो बहुत दूर था और इतने बड़े 10,000 योजन लंबे चौड़े कनक पर्वत मंदार पर्वत को उठाकर जा रहे थे। असुर लोग थकने लगे, देवता भी थकने लगे। असुर एक दूसरे को कहते हैं महाराज वजन लग रहा है कुछ देर रेस्ट करे, तो आंख वो जो लीडर है ना वो आंख दिखाकर कहता है चुप रहो, यदि हम कहेंगे हम थक गए थोड़ी देर रेस्ट करते हैं तो कल सुबह न्यूज़पेपर में आएगा असुरों में कोई दम नहीं है, उठा कर रखो। देवता भी अपनी प्रेस्टिज संभालने में, असुर भी, और अब क्या करे चलते गए और एक ऐसा स्पॉट आया कि दोनों की शक्ति क्षीण हुई और धड़ाम करके पर्वत गिरा। वहां पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि चूर्णिया मास राजन राजन, ये 33 करोड़ देवता और दानव चूर्णिया मास उस पर्वत के नीचे चूर्ण बन गए। चूर्ण जानते हैं पेट साफ करने के लिए जो लेते हैं ना रात को, चूर्ण बिल्कुल चूर्णिया मास राजन भारेण कनकाचल,
वह कनक अचल पर्वत के भार से देव दानव चूर्ण हो गए, और जो कुछ बचे थे वो हैंडीकेप हो गए, किसी का हाथ पांव टूटा और किनारे पर जाकर सिर पर हाथ रखकर अफसोस करने लगे कि ये नहीं किया होता तो अच्छा था। लेकिन उसी समय वहां लिखा है गरुड़ ध्वज, अभी जो मेरे पीछे है ना गरुड़ ध्वज है, न्यस्तांग्री पद्म पतगेंद्र पृष्ठे, पतगेंद्र उस गरुड़ के पृष्ठ पर बैठने वाले भगवान विष्णु उस समय वहां पर आए हैं। गरुड़ नीचे उतरा, भगवान विष्णु नीचे उतरे, देखा कि सब चूर्ण या मांस है, यहां तो दी एंड हो चुका था, मतलब फिल्म प्रारंभ में ही खत्म हो गई, अब क्या करे। सुखदेव जी कहते हैं उस समय भगवान विष्णु ने अपनी आंखों से अपनी दृष्टि देवता और दानव दोनों के ऊपर डाली, और प्रभु की दृष्टि से, भगवान की दृष्टि की शक्ति से देव और दानव वैसे खड़े हुए जैसे लंबी नींद के बाद कोई फ्रेश होकर खड़ा हो जाता है। लंबी नींद होती तो आप बंदा बहुत फ्रेश हो जाता है, दो पांच को मार गिराना है तो वो खड़े खड़े मार देगा, तो लंबी नींद के बाद फ्रेश होकर जैसे कोई खड़ा होता है वैसे देव और दानव मर चुके थे, चूर्ण हो चुके थे, लेकिन भगवान की दृष्टि से सब जीवित हो गए। मुझे जो आपसे कहना है, जब सब जीवित हो ना ऐसे खंखेर कर खड़े हो गए और फिर सोच में पड़े अब क्या करें, अब करना है नहीं करना है, ये पर्वत इतना भारी, भगवान ने कहा चिंता मत करो, आप सब लोग गरुड़ पर बैठ जाओ। अब देखो थोड़ा इमेजिन करो, भगवान ने कहा आप लोग चिंता मत करो, आप सब गरुड़ में बैठ, मैं एक व्हीकल लेकर आया हूँ फ्लाइट, उसमें बैठ जाओ। अब 33 करोड़ देवता गरुड़ में बैठे, 33 करोड़ असुर गरुड़ में बैठे, सब लोग गरुड़ पर बैठे, तो सबने कहा प्रभु वो मंदार पर्वत को लेना है, भगवान ने एक हाथ से मंदार पर्वत को उठाया, उसको भी गरुड़ के ऊपर रखा। अब सोचिए 33 करोड़ देवता गरुड़ पर, 33 करोड़ असुर गरुड़ पर, और वो मंदार पर्वत गरुड़ पर, और फिर भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठे हैं। सुखदेव जी कहते हैं गरुड़ जी ने केवल एक पांख, ज्यादा नहीं, ऐसे ऐसे आजकल के कौवे की तरह, केवल गरुड़ जी ने एक पांख ऐसे की, सीधे समुद्र के तट पर पहुंच गए। अब आप सोचिए कि वह गरुड़ कितना विशाल होगा। तो ऐसे गरुड़ पर, इसलिए तो यहां पर कहते हैं ना न्यस्यांग्री पद्म पतगेंद्र पृष्ठे, न्यस्यांग्री पद्म पतगेंद्र पृष्ठे। अब कॉन्फिडेंस आया ना, हाँ देखिए अब कॉन्फिडेंस आया कि नहीं अब रक्षा हो सकती, वो मर गए थे उनको जीवित किया, हमारी रक्षा तो अवश्य हो सकती क्योंकि उनके पास गरुड़ है, और गरुड़ मनोज वेगम, मन की गति से उड़ने वाले गरुड़ है। मन की गति आप जानते हैं, अभी आप, मैं अभी यहां आता हूं तो मैं से आंख बंद करके सोचो वृंदावन बांके बिहारी पहुंच गया, आप पूछोगे क्या, आप आंखें बंद करके, मैं वृंदावन जाकर वापस आ गया। अब देखो कितना, कितनी दूर, मन की गति कितनी तेज है, तो मन की गति से गरुड़ उड़ते हैं, और क्योंकि ऐसा गरुड़ भगवान के पास है इसलिए भगवान समर्थ हैं सर्व देशे सर्व काले मम रक्षाम, हमारी रक्षा करने के लिए भगवान समर्थ है। समझ में आ गया, दो लाइन क्लियर। हरीर विदध्यान, हरी विदध्यान कीजिए क्या, मम सर्व रक्षाम, और कैसे हरी, तो न्यस्त जिनके पड़े हैं अंग्री चरण, कैसे हैं चरण, पद्म कमल के समान, किसके ऊपर, पतगेंद्र गरुड़ के ऊपर, और पृष्ठ गरुड़ की पीठ पर, जो गरुड़ की पीठ पर बैठे हैं ऐसे भगवान। फिर से एक आचार्य बीच में आ गए, अरे भाई रुको 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 रुको, आप लोग तो एक्सेप्ट कर लिए, ये आचार्य लोग नहीं करते हैं। देखिए अब एक आचार्य आए, वो क्या कहते हैं, अरे भाई इतनी जल्दी क्या, इतना जल्दी क्यों ओके कर रहे हो, चलो मान लो समझ में आ गया कि इसके पास गरुड़ है। देखो ये मैं थोड़ी मेरी भाषा में बोल रहा हूँ, लेकिन ये कुछ ऐसा ही है, बोले भाई ठीक है चलो समझ में आया कि ये हरि है, हरि के गुण है, पापों को मिटाने वाला और सब कुछ, और चलो इसके पास गरुड़ भी, माना गरुड़ है, लेकिन तथापि, आप नीचे पढ़िए,
लेकिन तथापि आयुधम अंतरेण तत् असंभवात। चलो वो हरि है, वो गरुड़ पर बैठकर आए और तुरंत आपके पास पहुंच गए, लेकिन उसके पास आयुध ही नहीं होगा तो मतलब कोई मुश्किल ही में है और फोन किया जल्दी आओ मेरी रक्षा करने के लिए, कोई आदमी दौड़कर तेज गति से समय से पहुंच जाए, अरे यार बंदूक लाना तो भूल गया, रुक रुक मैं जाता हूं घर पर, तब तक तो यहां अच्युतम केशवम दी एंड। तो ये आचार्य क्या कहते हैं, भाई हरि है ये बात समझ में आई, उसके पास गरुड़ है ये भी समझ में आया, लेकिन आयुध ही नहीं होगा। तथापि आप नीचे देख सकते हैं, तथापि आयुधम अंतरेण तत् असंभवात युद्ध संपत्ति दर्शयति। तब विश्वरूप मुनि कहते हैं तीसरी लाइन में, दरारी चरमा सिगदेशु चाप। एक एक नहीं, इसके पास दो नहीं तीन नहीं, ये आठ आठ आयुध लेकर आ रहा है। क्या कहते हैं, दरारी चरमा सिगदेशु चाप पाशांद धानो ष्टगुणोष्ट बाहु, पाषाण ददानो ष्टगुणोष्ट बाहु। एक नहीं दो नहीं, ये आठ आठ आयुध लेकर उतर रहा है। तो विश्वरूप जी की रचना नारायण कवच, तो श्री नारायण कवच है। आज तक किसी ने भगवान को बुलाया तो एक आयुध लेकर या चार आयुध लेकर, तो इस कवच में आठ आठ आयुध लेकर भगवान को उतार रहे हैं, आठ आठ आयुध। और बिना आयुध के भगवान आ भी जाए तो बेचारे क्या करेंगे। मुझे वो तत्कालीन रामायण का वो प्रसंग याद आ रहा है, लंका कांड में राम रावण का युद्ध हुआ ना 10 दिन तक, उसमें रावण ने मेघनाद को भेजा, बहुत शक्तिशाली था मेघनाद। तो उनके सामने लक्ष्मण जी की मुठभेड़ हुई और मेघनाद का नाग बाण लक्ष्मण जी को लगा, लक्ष्मण जी मूर्छित। संध्या का समय युद्ध समाप्त हुआ, हनुमान जी लक्ष्मण जी को उठाकर भगवान रामचंद्र के पास, सारी सेना राम सेना खड़ी है, शोकमय वातावरण छा गया है, क्या करे, लक्ष्मण को कैसे जीवित करे। विभीषण जी ने कहा कि हमारी लंका में एक वैद्य है, एक डॉक्टर है जिसका नाम है सुषेण, यदि कोई उस वैद्य को लेकर आए तो इसका इलाज हो सकता है। कौन जाए, हनुमान जी ने कहा हम बैठे हैं आप सब लोग, हनुमान जी गए। अब देखिए क्या हुआ, अब वेद का नाम तो घर के ऊपर लिखा ही था, सुषेण वेद, ये डॉक्टर लोग लॉयर लोग लगा देते ना पाटिया, तो हनुमान जी ने देखा ये तो सुषेण वेद। हनुमान जी ने वेद को नहीं लाए, वेद के घर को ही पिलर समेत उखाड़ कर लेकर, वेद तो बेचारा सोया हुआ था, वो तो घर पे ही था, वो तो बेचारा रात को आराम कर रहा था, हनुमान जी ने पूरा घर ही उठा लिया और पूरा घर उठाकर जहां पर ये राम सेना थी वहां लाकर धर दिया। अभी भी वैद तो अंदर सोया है, सब लोग जैसे आप लोग हंस रहे ना, सब लोग हंसने लगे, हनुमान जी ये क्या लेकर आए। दो पांच ने कहा ये होलसेल के व्यापारी, इसको एक दो में जमता नहीं है, ये पूरा होलसेल में ही लेकर आते हैं। हनुमान जी ने कहा बुद्धिमताम वरिष्ठम, मैं जानता हूं आपने वेद को लाने के लिए कहा था और आपके कहने के अनुसार मैं केवल वेद को लेकर आता, वो वेद लक्ष्मण जी की नाड़ी चेक करता, अरे बाप रे इनको इंजेक्शन देना है तो मारो, बोले इंजेक्शन तो घर पर है, इसलिए मैं इसके सारे साधन अस्त्र शस्त्र इंजेक्शन पूरा डिस्पेंसरी हॉस्पिटल ही उठा कर लाया हूं ताकि ये इसका इलाज जल्दी हो जाए। और ये वानर हो आप लोग हंस रहे हो, आपको भी मलम पट्टी है जो थोड़ी खरोच बरोच आई आप भी सब यहां करवा लो, क्योंकि पूरा हॉस्पिटल ही। कहने का अर्थ ये है कि हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठम, उनको कहा गया था कि वेद को लेकर आओ, लेकिन अकेला वेद बिना दवाई बिना उपचार बिना शस्त्र के कुछ काम का नहीं है,
तो यहां पर भी यही प्रश्न आचार्य ने उठाया कि भगवान है, उनके पास गरुड़ है, टाइम टू टाइम पहुंच गए, लेकिन शस्त्र नहीं है तो क्या? तो कहते हैं दरारी चरमा सिगदेशु चाप। अब गिनिए, भगवान के हाथों में, भगवान के आठ हाथ हैं और उनके आठ हाथों में आठ अस्त्र है, शस्त्र है। तो आप तीसरी लाइन में देख सकते हैं ऊपर दर, दर का अर्थ होता है शंख। आप कहोगे शंख शस्त्र है? बोले हा, आप सबके घर में है ना शस्त्र, शंख। शंख बाजे बलाए भागे, शंख जिनके घर पर बजता है ना, बला जो है ना सब भाग जाती है। और भगवान के पास तो सउच्च काशे धवलो दरो दरो, भगवान के पास तो पांच जन्य जब बजता है तो असुरों का हृदय जो है ना वो विदीर्ण हो जाता है। भगवद गीता में वर्णन है ना, जब कौरव और पांडवों की सेना आमने सामने आई, भीष्म ने शंख बजाया, द्रोणाचार्य ने बजाया, दुर्योधन ने बजाया, कर्ण ने, सब ने शंख बजाया, तो कौरवों की सेना के शंख की ध्वनि से वातावरण गुंजायमान हो गया, ये एज इट इज वर्णन है। लेकिन फिर यहां से जब कृष्ण ने बजाया तो क्या लिखते हैं, कृष्ण के शंख की आवाज को सुनकर कौरव सेनाओं के हृदय विदीर्ण हो गए। तो ये तो सोफिस्टिकेटेड भाषा होती है संस्कृत, कृष्ण का शंख सुनकर हृदय विदीर्ण हो गए। हृदय विदीर्ण नहीं हुआ, धोती पीली हो गई, किसी की गीली हो गई, ये कहो। क्योंकि कृष्ण के शंख की ध्वनि में इतना भयंकर आवाज था कि हृदय विदीर्ण, हृदय विदीर्ण को सीधा इंग्लिश में करना है तो हार्ट अटैक। कृष्ण का एक बार शंख बजा, सारे कौरों को एक एक हार्ट अटैक आ गया, बस बेचारे दो बार बजाते तो वहीं मर जाते, युद्ध की भी जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि कहते ना तीन में आदमी मर जाता है, तीन हार्ट अटैक ही आदमी वो सहन कर सकता है। सो ये भगवान कृष्ण की, इसलिए तीसरी लाइन में ऊपर श्लोक में देख सकते हैं कि श्री नारायण कवचम में भगवान को बुलाया जा रहा है शस्त्रों के साथ। तो पहला शस्त्र है दर, दर माने शंख। प्रत्येक वैष्णव के घर पर शंख होना चाहिए, शंख की ध्वनि भगवान को बड़ी प्रिय है और इस ध्वनि से ही भगवान को जगाया जाता है। शंख की ध्वनि से ही भगवान के ध्यान को आकर्षित किया जाता है, जहां शंख बजता है वहां भगवान की दृष्टि आकर्षित होती है। तो शंख की ध्वनि से भगवान अपने भक्तों को प्रेम भी दे सकते हैं और शत्रुओं को, दुश्मन को मार भी सकते हैं शंख। शंख के विषय में आया जगत भय भयावहम, जगत के भय को भी भयभीत करने वाली ध्वनि भगवान के शंख में होती है। तो इस प्रकार से शंख के विषय में पहला आयुध है शंख। दूसरा आयुध है अरी, अरी माने चक्र, गोल गोल घूमने वाला, अरी माने चक्र। तीसरा आयुध है चर्म, चर्म माने ढाल, भगवान को चर्म ढाल लेकर बुलाया जा रहा है। चौथा आयुध है असी, असी माने तलवार। पांचवा आयुध है गदा, तो आप जानते ही हैं कि एक आ जाए सिर पर तो फिर आदमी खड़ा नहीं हो सकता। छठा आयुध है इशु, इशु माने बाण। तो दरारी चरमा सिगदेशु चाप, तो असी माने तलवार, गदा माने बाण, गदा माने गदा, इशु माने बाण। फिर है चाप, तीसरी लाइन में अंतिम शब्द है चाप, चाप माने धनुष, चाप माने धनुष। फिर नीचे कहते हैं कितने हुए, सात हुए। आठवां है पाषाण, पाषाण माने पाश, रस्सी, रस्सी ऐसे यहां एक हाथ में। और इस प्रकार से शंख चक्र ढाल तलवार गदा बाण धनुष और पाश ददाने धारण किए हुए हैं। कैसे हैं? तो अष्ट गुण अष्ट भुज, अष्ट बाहु, अष्ट बाहु आठ बाहु, मतलब आठ भुजाओं में
भगवान ने 8 अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं। रुको रुको, बीच में कोई आचार्य आ गया, बीच में फिर से एक आचार्य बीच में आए हैं। अब इतना तो समझ में आ गया कि हरि का स्वभाव, फिर वो गरुड़ तेज गति से, फिर शस्त्र लेकर, लेकिन एक आचार्य को अभी पेट में दुखावा है, उसका दूर करते हैं। ये क्या कहते हैं? तथापि वो आचार्य कहते हैं कि चलो भाई, बात समझ में आई कि वो हरि है, गरुड़ में बैठकर आए हैं और 8-8 भुजा में 8-8 अस्त्र लेकर आए हैं, सब समझ में आ गया। लेकिन 8 भुजा में 8 अस्त्र तो ले लिया, लेकिन उसको चलाने को तो आना चाहिए। चला है, आज भी महाराणा प्रताप की तलवारें मिलती हैं, शिवाजी की तलवार भी मिलती है, वो कोई हाथ में ले लिया तो थोड़ी काम होगा, उसको चलाने को आना चाहिए। तो वो कहते हैं तथापि सामर्थ्यम अपेक्षितम आह, वो 8 भुजा में जो 8 हथियार है उसको चलाने का सामर्थ्य होना चाहिए। तब कहते हैं अष्ट गुण इति, आप तीसरी लाइन के अंत में देख सकते हैं कि ये अष्ट गुणों अष्ट बाहु, भगवान में उसको चलाने के 8 गुण भी है। ये 8 गुणों के द्वारा भगवान ये 8 शस्त्रों को चला सकते हैं। अर्थात श्री नारायण कवचम के प्रारंभ में जिस भगवान हरि को पुकारा जा रहा है, उस हरि के 8 भुजा है, 8 आयुध हैं और उनमें 8 गुण भी है। देखिए, गुण करुणा का गुण, दया का गुण, ये तो है, ये तो अलग बात है। यहां 8 गुण का अर्थ क्या है? तो आचार्य कहते हैं 8 गुण माने, वे कहते हैं अष्ट गुण गुण इति अणिमा आदि ऐश्वर्य युक्त। 8 गुण हरि में है, इस श्लोक में ऊपर लिखा है अष्ट गुण अष्ट बाहु। तो यहां अष्ट गुण का अर्थ, गुण माने सत्व रजस तमस भी होता है ना, सत्व गुण रजो गुण तमो गुण, गुण माने दया का गुण करुणा का, ये नहीं। यहां पर अष्ट गुण का अर्थ है अणिमा आदि 8 ऐश्वर्य, जिसे हम अष्ट सिद्धि कहते हैं। तो भगवान में 8 सिद्धियां है और इन 8 सिद्धि के द्वारा भगवान अपने भक्त की रक्षा कर सकते, और भगवान जो चाहे वह कर सकते हैं। आप जानना चाहेंगे 8 सिद्धि कौन सी है? क्योंकि यहां पर लिखे ना अष्ट गुण अष्ट बाहु, 8 गुण कौन से, वो 8 सिद्धि कौन सी? तो सबसे पहले कहते हैं अणिमा, मैं स्पेलिंग के साथ आपको दिखाऊं ताकि आप इसे समझ सको। और ये जो भी चलेगा अष्ट गुण के ऊपर चल रहा है, ऊपर जो लिखा है ना अष्ट गुण। तो भगवान में सबसे पहली सिद्धि है और भगवान की कृपा से ये भक्त में भी आ सकती है, आप लोगों में भी आ सकती है। ध्यान से सुनिए, पहले सिद्धि समझ लीजिए। ये 8 गुण 8 सिद्धि क्या है? तो सबसे पहले है अणिमा। अणिमा का अर्थ होता है अपने को सूक्ष्म से भी सूक्ष्म बना लेने की क्षमता। सूक्ष्म समझते हैं, ये आप और आपकी स्क्रीन, जहां आपका मोबाइल या लैपटॉप होगा ना, ये उसके बीच में करोड़ों जीव है, क्या आपको दिखाई दे रहे हैं? नहीं, क्योंकि वो सूक्ष्म है। सो जीव है, बैक्टीरिया इत्यादि हम लोग जो देखते हैं वो माइक्रोस्कोप से, लेकिन सीधे नहीं दिखाई देते हैं, तो वो जीव ही है। वो सांस भी लेते हैं, भोजन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो प्रथम सिद्धि है अणिमा। अणिमा माने अपने को सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म बना लेना। इस अणिमा सिद्धि से युक्त होकर व्यक्ति दूसरों के लिए प्राय प्राय अदृश्य हो जाता है। इसके द्वारा व्यक्ति आकाश में लघु होकर अपने आप को एक अणु में परिवर्तित कर देता है और इस सिद्धि से व्यक्ति बहुत बड़ा बलवान और वीर बन सकता है। अणिमा। अच्छा, दूसरा गुण कौन सा है, दूसरी सिद्धि? तो कहते महिमा। ये अणिमा से बिल्कुल ऑपोजिट। अणिमा सबसे छोटे से छोटा जीव हो सकता है, महिमा माने बड़े से बड़ा विशाल व्यक्ति बन सकता है। भगवान में ये सिद्धि, ये जो है भगवान के शरीर के, या यदि किसी योगी में, किसी में भी ये सिद्धि है, ये गुण है, तो वे आकार को, उनके शरीर के आकार को विशाल काय स्वरूप को जन्म दे सकती हैं। इस सिद्धि से संपन्न होकर
कोई व्यक्ति प्रकृति को विस्तारित करने में सक्षम हो जाता है। सो यह है महिमा, जिससे व्यक्ति बहुत बड़ा हो सकता है। तीसरा गुण, तीसरी सिद्धि है गरिमा, गरिमा सिद्धि। इस सिद्धि से मनुष्य या योगी अपने शरीर को जितना चाहे उतना भारी बना सकता है। गरिमा का अर्थ ही होता है भारी। इसे व्यक्ति अपने को बहुत बार, हमको तो बनने की जरूरत नहीं, हम तो ऑलरेडी ऐसे ही बिना कुछ किए भारी है, है? हमको तो ये सिद्धि मतलब जन्मजात हासिल है। अभी कथा के बाद, कथा के पहले भी भोजन किए, कथा के बाद भी भोजन किए, दो दो घंटे में करते रहेंगे तो गरिमा तो अपने आप हो जाएगी। कुछ लोग कहेंगे कौन सी सिद्धि, हमारे पास भी एक सिद्धि है, कौन सी? गरिमा सिद्धि, वजन बढ़ाने की। तो लेकिन ये सिद्धि ऐसी है जिससे व्यक्ति अपना वजन भारी। भगवान कृष्ण की लीला में यदि आप तत्व से विचार करो तो ये सारी सिद्धियां इस्तेमाल हुई है। वो तृणावर्त की कथा आपने सुनी ना, तृणावर्त जब लेकर गया तो उसके पहले कृष्ण भारे हो गए, यशोदा उठाने गई तो उठाई नहीं पाई। क्या थी ये? गरिमा सिद्धि, भगवान ने अपना वजन बढ़ा लिया था। यह सिद्धि योगी को या साधक को अनुभव कराती हैं। क्या अनुभव कराती हैं? उसका वजन बहुत भारी, बहुत बढ़ चुका है, और इतना बढ़ चुका है कि कोई व्यक्ति कितना भी प्रयास करे उसको हिला नहीं सकता, उसको डिगा नहीं सकता। इसे कहते हैं गरिमा सिद्धि। चौथी सिद्धि है लघिमा सिद्धि। ये गरिमा से बिल्कुल ऑपोजिट है। इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए आज बहुत 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 आयोजन चल रहे हैं, जिम्नेशियम चल रहे हैं और इतने सारे प्रोडक्ट, वेट लूज करो, वजन घटाओ। इसे कहते हैं लघिमा, मतलब हल्का हो जाना, मतलब शरीर को एकदम एकदम हल्का कर देना, बिल्कुल इतना हल्का शरीर को कर देना कि हवा में कोई चल सके, इतना। तो इसे कहते हैं लघिमा सिद्धि, चौथा गुण। पांचवा गुण, ऊपर जो अष्ट गुणों अष्ट बाहु में पांचवा गुण, पांचवी सिद्धि है प्राप्ति। प्राप्ति, ये सारी सिद्धि आप लोगों में आ सकती है, मैं अंत में बताऊंगा उसका उपाय। कुछ भी निर्माण कर लेने की क्षमता को प्राप्ति सिद्धि कहते हैं। इस सिद्धि के बल पर जो कुछ भी पाना चाहे वह योगी, वह जीव या आप लोग पा सकते हैं। इस सिद्धि को प्राप्त करके साधक जिस किसी की भी इच्छा करता है वह असंभव होने पर भी, इम्पॉसिबल होने पर भी वो पॉसिबल हो जाती, वो प्राप्त हो जाती हैं। अर्थात ये प्राप्ति सिद्धि जिसके पास है वो रेगिस्तान में जाकर कहे कि पानी चाहिए तो वो पानी प्रकट कर देता है, या समंदर के बीच में जाकर कहे कि पत्थर चाहिए तो वो पत्थर दे सकते हैं। इसे कहते हैं प्राप्ति सिद्धि। छठा गुण, छठी सिद्धि है प्राक्राम्य सिद्धि। छठी सिद्धि है प्राक्राम्य। प्राक्राम्य माने वो पिछली सिद्धि कौन सी थी? प्राप्ति माने किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की सिद्धि, मतलब उनका गुण। लेकिन प्राप्ति में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये प्राप्त करने की बात नहीं है, ये किसी भी चीज को निर्माण करने की क्षमता आ जाती है। प्राप्ति सिद्धि में किसी भी वस्तु को निर्माण, मैन्युफैक्चर करने की क्षमता आ जाती है। इस सिद्धि के बल पर आदमी जो कुछ भी बनाना चाहे वो सब कुछ बना सकता है। छठी सिद्धि है प्राक्राम्य। छठी सिद्धि है प्राक्राम्य। प्राक्राम्य सिद्धि माने कोई भी रूप धारण करने की सिद्धि। प्राक्राम्य में व्यक्ति किसी भी रूप को धारण करने की क्षमता रखता है। इस सिद्धि को प्राप्त करके मनुष्य जो कोई भी इच्छा करता है उसे पाने में वो कामयाब हो जाता है, वो सफल हो जाता है। इस सिद्धि के बल पर व्यक्ति आकाश में उड़ सकता है, और इसी सिद्धि से व्यक्ति पानी के ऊपर चल सकता है। यह है प्राक्राम्य सिद्धि।
सातवां गुण सातवीं सिद्धि है ईशिता। ईशिता माने सत्ता को जान लेना, प्रत्येक सत्ता को जान लेना और उस पर नियंत्रण करना। मतलब किसी की सत्ता को, मतलब किसी के प्लानिंग को जान लेना। यस, ईशिता माने मतलब सामने वाले में क्या प्लान चल रहा है वो आदमी समझ सकता है और उस प्लान को वो नियंत्रण भी कर सकता है, उसके मन के विचार को भी वो घुमा सकता है। इसे कहते हैं ईशिता सिद्धि। और आठवीं है वशिता सिद्धि, नाम ही इसका गुण है, ये किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकता है, जिसे वशीकरण। तो चेतन जीव जंतु पदार्थ प्रकृति सबको अपने वश में कर सकता है। तो इस प्रकार भगवान में आप ऊपर देख सकते हैं पाषांद दानोष्ट गुणोष्ट बाहु, अष्ट गुण अष्ट बाहु। तो अष्ट बाहु में आठ अस्त्र शस्त्र है, उसे चलाने की सिद्धि भी भगवान हरि के पास है। सिद्धियों के विषय में मैं आपको कहूं कि एक बार भगवान कपिल देव माता देवहूति को इन सिद्धियों का वर्णन कर रहे थे। तो भगवान कपिल देव कहते हैं कि कोई व्यक्ति थोड़ी भी भक्ति करता है तो भगवान अपने भक्तों को ये सिद्धि प्रदान कर देते हैं, क्योंकि भगवान के पास है। लेकिन भगवान ये सिद्धि देते हैं फिर भी भक्त इन सिद्धियों का क्या करता है? तो बहुत सुंदर श्लोक है श्रीमद् भागवत में, आप नीचे देख सकते हैं। भगवान कपिल देव माता देवहूति से कहते हैं सालोक्य साष्टी सामीप्य, ये सभी प्रकार की मुक्ति और सिद्धि भगवान अपने भक्त को दे भी दें। तो दूसरी लाइन में कहते हैं दीयमानम न गृहणन्ति विना मत सेवनम जना, मेरे भक्तों को यह सिद्धि दी जाए फिर भी दीयमानम, देने पर भी भक्त न गृहणन्ति, भक्त उसे ग्रहण नहीं करता। तो देवहूति माता ने पूछा तो भक्त क्या ग्रहण करता है? तो कहते मत सेवनम, मेरी सेवा ग्रहण करता है। भक्त को सिद्धि नहीं चाहिए, भक्त को सेवा चाहिए। इन सिद्धियों में जो आनंद नहीं, वो आनंद भगवान की सेवा करने में है। सो इस प्रकार यह सुंदर श्लोक हरिर विदध्यान मम सर्वरक्षाम न्यस्नांग्री पद्म पतगेंद्र पृष्ठे दरारी चर्मा सिगदेशु चाप पाषांद दानोष्ट गुणोष्ट बाहु, श्री नारायण कवचम का ये प्रथम श्लोक संक्षिप्त में उसकी व्याख्या मैंने आपके बीच में रखी। इस श्लोक में मूल रूप से भगवान हरि को पुकारा गया। हरि कौन? चौथे मन्वंतर में गजेंद्र की रक्षा के हेतु जो भगवान विष्णु जिस स्वरूप में प्रकट हुए थे, उस भगवान हरि की स्पेशल प्रार्थना यदि आप करना चाहो, नारायण कवच तो है ही लेकिन स्पेशल हरि को पुकारना चाहो तो एक श्लोक आचार्य ने अपनी टीका में लिखा, हरि स्वाश हरि स्व आश्रित आरती हरता गजेंद्र रक्षको भगवान मम सर्व रक्षाम सर्वतः परित्राणम विदधात कुरियात। ए हरि, सर्व आश्रित आरती हरता, आप सभी आश्रितों के आर्त को हरने वाले हो और गजेंद्र रक्षको और गजेंद्र की रक्षा करने वाले हो, मम सर्व रक्षाम सर्वत, मेरी सभी ओर से रक्षा करो, परित्राणम विदध्यात कुरियात। सो भक्तो, जब हम श्री नारायण कवचम का यह प्रथम श्लोक याद करें तो ये सारी व्याख्या याद आनी चाहिए और साथ ही साथ किस प्रकार भगवान हरि ने गजेंद्र का त्राण किया, गजेंद्र की रक्षा की, ये भी याद आना चाहिए। ये संक्षिप्त में अब हमने, क्योंकि यदि हम गजेंद्र की कथा नहीं सुनेंगे तो एक अपराध सा हो जाएगा, क्योंकि ये प्रथम श्लोक पूर्ण गजेंद्र के ऊपर डिपेंड करता है। सो श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद में कथा है कि स्वर्ग में एक बहुत बड़ा उद्यान हुआ करता था और उस उद्यान में एक हाथी रहता था जिसका नाम था गजेंद्र। उस गजेंद्र हाथी की लाखों पत्नियां थी और अनेकों पुत्र थे। एक समय की बात, वो वन का स्वामी, वन का राजा गजेंद्र अपनी अनेक पत्नी और बच्चों के साथ वन में विचरण करने के लिए निकल पड़ा। सुखदेव गोस्वामी गजेंद्र की महिमा का वर्णन करते हैं कि गजेंद्र जब चलता था तो बिल्कुल मतवाली चाल में चलता था, तो
गजेंद्र के विषय में कहते हैं कि पूरी पृथ्वी को कंपाते हुए, बड़े बड़े वृक्षों को, पेड़ पौधों को रौंदते हुए, उखाड़ते हुए गजेंद्र जिस मार्ग से निकल जाता था वो उस मार्ग, वो हाईवे बन जाता था। और गजेंद्र जब घर से निकला, वन के हिंसक पशु पक्षियों को पता चलता, बड़े बड़े सिंह, बड़े बड़े शेर, ये सब लोग अपनी अपनी गुफाओं में जाकर छिप जाते, अरे गजेंद्र आया है, भागो भागो, नहीं तो हमारा क्या होगा, भरोसा नहीं। और जो खरगोश, जो 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 बिल्कुल सरल पशु, सात्विक पशु होते थे, खरगोश, हिरण, निर्दोष पशु, गजेंद्र को याद करके बिल्कुल निश्चिंत होकर जीते थे कि हमारा बाप गजेंद्र जब तक जीवित है हमें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि कोई उनको खाने आए तो वो गजेंद्र का नाम ले लेते थे। ये था गजेंद्र। अनेक पत्नी और बच्चों के साथ बड़ी गरिमा में वो निकला वन में। ग्रीष्म की गर्मी आप सबने अनुभव कर ली है, अप्रैल मई में कितनी गर्मी, और उस गर्मी में गजेंद्र को प्यास लगी, पत्नी बच्चों को प्यास लगी, क्या करे क्या करे, तो वो सुंदर सरोवर खोजने लगा। तो ऋतुमत नाम का एक उद्यान जहां पर सभी ऋतु एक साथ प्रकट होती हैं, और इतना सुंदर वातावरण, ये कथा हो चुकी है, मैं संक्षिप्त में कह रहा हूं, बहुत सुंदर वहां ये फल लगा है, ये फल विस्तार से वर्णन भागवत में है। और गजेंद्र ने जब वह सरोवर देखा तो बड़ा आनंद आया। होता है ना कि आप कहीं कहीं यात्रा में गए हो, ग्रीष्म की गर्मी, प्यास लगी, और बहुत प्यासे हुए, कोई दुकान नहीं, दुकान नहीं, दुकान नहीं, और अचानक कोई दुकान दिख जाए मिनरल वाटर है तो आप खुश हो जाएंगे, यार यहाँ तो ठंडा ठंडा पानी, चलो जाकर पीते, तो ये सब खुश हो गए। लेकिन गृहस्थों की तरह जब कोई व्यक्ति ट्रेन से सफर करता है, स्टेशन आता है, तो घर का जो आदमी होता है ना, पत्नी बच्चों को ट्रेन में ही रखता है और खुद नीचे उतरता है और कुछ पानी और कुछ वेफर और कुछ खाना पीना और लेकर आता है। गजेंद्र ठीक उसी प्रकार पत्नी बच्चों को बाहर रखा किनारे पर, और गजेंद्र उतरा सरोवर में, और सरोवर में उतर कर गजेंद्र अपनी सूंड से वो जल पिया, पहले तो स्वयं पिया और फिर अपने बच्चों को जल पिलाया, अपनी पत्नी को जल पिलाया। बहुत सुंदर कार्य गजेंद्र ने किया, हम सबको सिखाया कि प्रत्येक गृहस्थों को इस प्रकार अपनी पत्नी बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। एक हाथी जब इतना ध्यान रख रहा है तो हम तो आदमी हैं यार, हमें घर गृहस्थी को संभालना चाहिए। गजेंद्र से ये सीख मिलती। लेकिन गजेंद्र ने यह भी सिखाया कि कर्तव्य निभाओ, लेकिन कहीं कर्तव्य निभाते 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 घर गृहस्थी में आसक्त न हो जाओ। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमारे वहां ट्रक के पीछे लिखा होता है। तो अब ट्रक वाले हमारे वहां लिखते हैं, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। मुझे ये बताओ ट्रक में कौन बुरी नजर डालेगा, कोई मर्सिडीज कार होगी, कोई बीएमडब्ल्यू होगी, बुरी नजर तो वहां जाती, ट्रक में जाएंगी। लेकिन बुरे लोग ऐसे ही सोचते हैं कि लोग मुझे, मेरे पे बुरी नजर, तेरे में बुरा नजर वाला चीज है क्या, ट्रक पर कौन बुरी नजर डालता है, लेकिन लिखा तो ट्रक के ऊपर ही होता है। गजेंद्र स्वयं जल पिया, पत्नी बच्चों को पिलाया, लेकिन अब जो गजेंद्र करने लगा, अब अपने बच्चों के साथ खेलने लगा, ये भी ठीक है, थोड़ी बहुत खेल कूद होना चाहिए, लेकिन बस रात दिन यही करना भी ठीक नहीं है ना। गजेंद्र जल उठा उठा कर बच्चों के ऊपर डालने लगा, उठा उठा कर बच्चे खेलने लगे, वाटर पार्क आ गया है? तो गजेंद्र बच्चों पर जल डाल रहा था तो उनकी पत्नियों के ऊपर जल उड़ा, पत्नी भी शर्मा कर, जी हमारे ऊपर क्यों डाल रहे, पत्नी भी शर्माने लगी। गजेंद्र का उत्साह और बढ़ा कि ये तो पत्नी है, तो अब तो गजेंद्र पत्नी के ऊपर डालने लगा, पत्नी के साथ भी खेलने लगा, बच्चे खेल रहे हैं, पत्नी है। और अब तो गजेंद्र को बहुत पानी उठाना, क्योंकि पत्नी का शरीर भी पत्नी जैसे होता है ना, तो गजेंद्र बहुत पानी उठाना पड़ा, उठा उठा कर डालना, तो पानी उठाने उठाते गजेंद्र को उस सरोवर में से गोल गोल घूमना और सरोवर का जल पूरा आंदोलित होने लगा। और उसी सरोवर की गहराई में एक मगरमच्छ
एक ग्राह रहता था और ग्राह सोचा कि मेरे घर में आकर कोई पानी पीकर चला जाए ठीक है, लेकिन ऐसी उच्छृंखलता, इस प्रकार से जल को हिलाना बिगाड़ना। और वह ग्राह नीचे से आया और गजेंद्र के पांव को पकड़ लिया, लेकिन गजेंद्र मतवाला है, तेषाम प्रमत्तो निधनम पश्यन अपि न पश्यति, अपने पत्नी बच्चों में इतना आसक्त है कि मस्तक पर मौत मंडराने लगी, वो काल ने पकड़ लिया लेकिन गजेंद्र समझ नहीं पाया। घर गृहस्थी में आदमी इतना आसक्त हो जाता है, पता नहीं रहता कि कैंसर हो गया कि कोविड हो गया। फिर वो ग्राह ने पकड़ और मजबूत की, तब पता चला यार कुछ गड़बड़ तो है। हॉस्पिटल जाकर रिपोर्ट कराते हैं, तब आता है कैंसर सेकंड स्टेज। अब खेलना कूलना कूदना बंद, घर की आसक्ति बंद और हॉस्पिटल के चक्कर शुरू। गजेंद्र का, ये गजेंद्र की कथा नहीं, हम गृहस्थों की कथा है। गजेंद्र तो एक एक सीख, एक हमको शिक्षा दे रहा है। सो अब क्या करे वो ग्राह गजेंद्र को खींच, अब सबको पता चल गया कि ये ग्राहक गजेंद्र के पांव को खींच रहा है। समाज वाले मेहनत तो करते हैं ना बेचारे, तो गजेंद्र की पत्नी और बच्चों ने एक के बाद एक, एक के बाद एक को पकड़कर एक चेन एक लिंक बनाई और गजेंद्र को अंदर से बाहर खींचने का प्रयास किया, लेकिन गजेंद्र को निकाल नहीं पाया। ऐसा ही होता है, हम जीवन भर जिस समाज का ध्यान रखते हैं, पत्नी बच्चों का भरण पोषण करते हैं, हमने हमारा जीवन जिन लोगों के लिए खपा दिया, जब मृत्यु का समय आएगा तो उनमें से एक आदमी भी हमको बचा नहीं पाएगा। अरे बचाने की बात दूर रही, मृत्यु से बचाने की बात तो दूर रही, हमारा एक डिग्री बुखार भी कोई ले नहीं सकता है। यदि बचा सकता है तो केवल भगवान ईश्वर, उसका तो भजन किया नहीं है ना, जो जिनके हाथों में ये सारी कंट्रोल है उनकी तो भक्ति की नहीं, न कथा सुनी, और जीवन भर हम दूसरों की सेवा में लगे रहे। बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं, तो वह ग्राह खींचकर बीच सरोवर में गजेंद्र को लेकर गया। धीरे 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 गजेंद्र की शक्ति घटती गई, ग्राह की शक्ति बढ़ती गई, क्योंकि पानी में बेचारा न खाया न पिया, कितना भी बलवान आदमी भूखे पेट क्या कितना युद्ध कर पाएगा। बहुत काल बीता, गजेंद्र की शक्ति क्षीण हुई और बीच सरोवर में वो ग्रह लेकर गया, और गजेंद्र डूबने ही वाला था, बस केवल मस्तक बचा है, धीरे धीरे करके पूरा डूबा। ये गजेंद्र की कथा नहीं, हम सब लोगों की कथा है। हम सब लोग ग्रह के काल के मुख में हैं, कुछ लोग आधे फंसे हैं, कुछ लोग 80%, कुछ लोग का केवल मुख गजेंद्र की तरह बाहर है, बस जाऊ जाऊ थे रियाज, ये गए अब गए अब गए तब गए है? हम सब लोग काल काल के मुख में फंसे हैं, लेकिन सीखना चाहिए गजेंद्र से। गजेंद्र जब डूबने ही वाला था, सुखदेव जी ऐलान करते हैं, एवं व्यवस्थिता बुद्धि समाधाय मनोरिधि जजाप परमम जाप्य प्राक जन्म अनुशिक्षितम। उसी समय गजेंद्र को भगवान की याद आई, हाथी को भगवान की याद आई, यहां आदमी को नहीं आती है। अब विचार तो करो, हाथी भगवान को पुकारा, गजेंद्र ने ईश्वर को पुकारा। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। इस प्रकार जब गजेंद्र पुकारने लगा तो ऊपर से भगवान का, गजेंद्र मुझे पुकार रहा है, प्रॉब्लम क्या हुआ क्या भगवान ने पूछा, तब गजेंद्र कहता है सूरदास जी की कलम, नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्रा चरण दरी पछारे, चार प्रहर युद्ध
भयो लई गयो मजदारे। चार प्रहर युद्ध भयो लई गयो मजदारे। नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे। नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे। हे गोविंद हे गोपाल मेरी रक्षा करो रक्षा करो। गजेंद्र ने पुकारा और गजेंद्र के वह शब्द ब्रह्मांड को भेद कर वैकुंठ में गए। द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो बारे। द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो बारे। और शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लई सिदारे। शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लई सिदारे। गज पूरण निराश भयो जब ही तब आरद नाद सुनाय दियो। ए गज पूर्ण निराश भयो जब ही तब आरत नाथ सुनाय दियो। पन आपन नाथ बुलाय कहो किमि आवन मांज विलंब कियो। तब ही विनिता सुत को तजिके तुरंत गजराज बचाव लियो। तब विनीता सुत को तजिके तुरंत गजराज बचाव लियो। इस प्रकार गजेंद्र ने मृत्यु के समय भगवान को बुलाया और भगवान गरुड़ के ऊपर सवार हुए। शंख चक्र गदा पद्म लेकर उस स्थान पर आए। तुरंत सुदर्शन चक्र चढ़ाए उस ग्रह का मस्तक काटे और गजेंद्र को सदेह भगवान गजेंद्र का दुलार करने लगे। गजेंद्र से प्यार करने लगे और क्षमा मांगने लगे। गजेंद्र तुमने बहुत कष्ट सहन किया ना, चिंता मत करो। सदेह गजेंद्र को शरीर के साथ गरुड़ पर बिठाया और लेकर चले गए। किसी ने पूछा कि भगवान जब वैकुंठ से निकले तो भगवान की पत्नी ने पूछा नहीं होगा कि प्रभु कहाँ जा रहे हो? बोले हाँ पूछा। लक्ष्मी जी ने पूछा प्रभु कहाँ? तो गजेंद्र की रक्षा करने के लिए भगवान इतने उतावले थे, इतनी जल्दी में थे कि भगवान को जवाब देना था हाथी के पास। कहते हैं भगवान हा लक्ष्मी जी के पास बोले और थी बोलते बोलते तो हाथी के पास पहुंच गए। वह हा लक्ष्मी के पास था और थी हाथी के पास था। इसकी गति तो आप देखो। क्यों? क्योंकि हरीर विदत ध्यान मम सर्व रक्षाम न्यस्यांग्री पद्म पतगेंद्र पृष्ठे दरारी चर्मा सिगदेशु चाप पाशांद दानो ष्टगुणोष्ट बाहु। भगवान में ये सारे गुण हैं इसलिए ये संभव है। सो आज श्री नारायण कवचम का प्रथम श्लोक यहाँ पर समाप्त हुआ। इसी प्रकार से प्रयास तो करेंगे 23 श्लोक हम सुने, लेकिन इस गति से चलेंगे तो पता नहीं 3-4 भागवत कथा करनी पड़ेगी। लेकिन जो भी है हम रसास्वादन करेंगे। हम किसी ने पीछे बम बांध दिया और कहा भागो, ऐसे नहीं करेंगे। हम आराम से, हम कहाँ कसम खाकर रखी है कि भाई करके ही खड़े होंगे। यहाँ तो चल ही रहा है, बस हमें भागवत के प्रत्येक श्लोक परिपूर्ण है। आप लोग ऐसा मत समझिएगा कि प्रसंग कंप्लीट नहीं होते हैं, ऐसा नहीं। भागवत के प्रत्येक श्लोक प्रत्येक शब्द अपने आप में भागवत है। किसी आधे श्लोक की भी 7 दिन कथा हुई ना तो पूर्ण भागवत है। और दूसरी ओर पूरा भागवत सुना लेकिन उसमें कुछ समझ में नहीं आया तो पूरा सुनकर भी कोई लाभ नहीं है। इसलिए जितना सुने उतना समझे, उनकी गहराई में जाए, तो एक विनम्र प्रयास है। श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम लोग इस भागवत को यथारूप समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें आप सभी भक्त
धैर्य से इस कथा को सुन रहे हैं। और विशेष धन्यवाद सोनिक परिवार और लुथरा परिवार को कि जिन्होंने आयोजन किया, और इनके आयोजन के बदौलत आज मुझे, आप सब, हम सब को यह कथा श्रवण करने का अवसर मिला। आपने ये जो कार्य किया है, निश्चित रूप से आपके पितृ कन्वर राज सुनक जी, संतोष सुनक जी और हीरालाल जी लुथरा जी, आपके इन पूर्वजों ने, पितरों ने निश्चित कुछ शुभ मंगल कर्म किए हैं, जिसके फल स्वरूप आज आपके माध्यम से आपको निमित्त बनाकर ये भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। और मैं निमित्त बना हूँ इसको गाने के लिए, बोलने के लिए, तो ये भगवत कृपा है। तो आइए भगवान का की जय जयकार करते हुए हम आज के सत्र को विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण के श्री कृष्ण चंद्र भगवान के श्री नारायण कवचम के जगत गुरु श्री प्रभुपाद के निताय गौर प्रेमानंदे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।